चैप्टर नंबर टू, चैप्टर नंबर टू का नाम लिखना है आपको फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इसमें दो चीज़ों पर फोकस किया जाएगा, एक है प्रिपरेशन कि कैसे बनाना है आपको, और दूसरा है वो चीज़ जिस पर आप कभी भी फोकस नहीं करते, प्रेजेंटेशन। तो ये चैप्टर इसीलिए बनाया गया है सीए साहब के लिए कि सीए साहब को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना भी आना चाहिए, वो तो चलो बच्चे को आता है, और प्रेजेंट करना भी आना चाहिए। तो उसका ये फ्रेमवर्क है, मतलब ऐसा नहीं कि इसमें एक्सटेंसिव नॉलेज है, ओनली फ्रेमवर्क कि किन बातों का हमें ध्यान रखना है ना। तो ये बेसिकली चैप्टर है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या? हाँ, तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए। तो इसमें ना कुछ बेसिक बातें होंगी, हो सकता है आपको अपनी सीए फाउंडेशन की याद आ जाए या अलेवेंथ की याद आ जाए, क्योंकि ये सब बातें कुछ कुछ आपने पहले पढ़ रखी है। तो यहीं से शुरू करते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप अंडरलाइन करके उसमें चार बाइफरकेशन करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मतलब है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है चार बातें, है ना, इसमें चार बातें आती हैं, बैलेंस शीट, ये आपको पता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपको पता है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट, हाँ ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट है, ये आपको पता है, और नोट्स टू अकाउंट्स। हाँ, लिखना अलग से है, लेकिन नोट्स टू अकाउंट्स का मतलब है कि अदर चीज़ें, अदर डिस्क्लोजर्स, मतलब ब्रैकेट में भी लिख देते हैं ना कि भाई बहुत सी जानकारी आपको अलग से बतानी पड़ती है ना। AS1 तो पूरा इसी पर बेस्ड है, और फिर प्रिंसिपल भी होता है फुल डिस्क्लोजर। नहीं, AS3 तो मैंडेटरी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। हाँ, नहीं तो फिर यूज़र को हम कैसे डिस्क्लोज करेंगे? तो अगर आप किसी पब्लिक कंपनी की निकालोगे अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेबसाइट से जाके, तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट भी मिलेगा। 12th में प्रोजेक्ट नहीं बनाए थे आपने जब चेप चूप के इधर उधर से, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया होगा किसी कंपनी का, बताओ, है ना। तो ये सब चीज़ें आपने कर रखी हैं, ऐसा नहीं है। तो बैलेंस शीट होगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा, और नोट्स टू अकाउंट्स होंगे, ये बकायदा चारों चीज़ें होंगी, है ना। ये सब चीज़ें हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। चलो, तो खैर हमें टॉपिक वाइज, मतलब कुछ छोटे छोटे पॉइंटों में इस पूरे छोटे से चैप्टर को पढ़ना है, तो हम पॉइंट नंबर वन हेडिंग डालते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें हमारा जो है वो है यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूज़र्स क्या हैं, यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये जो बैलेंस शीट है, PNL है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, नोट्स हैं, इनको कौन यूज़ करता है, इनके यूज़र्स कौन हैं? तो बताओ कुछ नाम जो भी याद आ रहे हो आपको। इंटरनल यूज़र, एक्सटर्नल यूज़र, ऐसा पढ़ा था आपने, और उसमें एग्जांपल्स, स्टेक होल्डर्स, मैनेजमेंट, ओनर, क्रेडिटर, लेंडर, बैंक, गवर्नमेंट, पब्लिक, ये सब चीज़ें थी। तो बस वही लिस्ट लिखनी है, तो ऐसे कुछ यूज़र्स लिख लेते हैं। तो ए लिख लेते हैं इन्वेस्टर्स, बी लिख लेते हैं एम्प्लॉइज, सी लिख लेते हैं क्रेडिटर्स या ब्रैकेट में सप्लायर्स, डी लिख लेते हैं गवर्नमेंट, ई लिख लेते हैं लेंडर्स,
एफ लिख लेते हैं पब्लिक, बाकी एटसेट्रा एटसेट्रा और भी हो सकते हैं, मतलब उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब इन्वेस्टर जो होता है उसको बताओ मतलब क्या पड़ी है हमारे बैलेंस शीट पीएनएल कैश फ्लो से, उसकी क्या दिलचस्पी, उसने अगर कंपनी में इन्वेस्ट करा है तो वो एनालाइज करेगा कि प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है या उसको कितना रिटर्न मिला अपने इन्वेस्टमेंट पर। तो बस शॉर्ट में एक लाइन लिख लेते हैं कि भाई इन्वेस्टर जो है वो क्या एनालिसिस करेगा या उसकी दिलचस्पी किस में, एनालिसिस ऑफ परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। एनालिसिस ऑफ परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी, उसका उसकी दिलचस्पी है कि भाई कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है या परफॉर्मेंस कैसा है। एम्प्लॉइज़ उनको क्या लेना देना, बोनस बोनस मिलेगा कि नहीं, कंपनी ग्रो करेगी कि नहीं, तो इसमें आप डैश डाल के लिख सकते हो कि भाई नॉलेज ऑफ स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, कि कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी नौकरी से निकाल दे, पता चला लॉसेस चल रहे हैं कंपनी में तो डर लगता है एम्प्लॉय को, अब तो नौकरी गई। क्रेडिटर उन्हें क्या दिलचस्पी है, क्रेडिट वर्दीनेस चेक करना कंपनी की कि हमारे पैसे टाइम से मिल जाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, या इनको आगे उधार दें या ना दें। तो क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ कंपनी, सरकार टैक्स या सोशल ऑब्जेक्टिव्स हम पूरे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो वो भी लिख लेते हैं इवैल्यूएशन ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड टैक्स रेगुलेशंस लेंडर्स की क्या दिलचस्पी है, टाइमली रीपेमेंट है ना, कि उनका पैसा टाइमली मिल पाएगा कि नहीं, टाइमली रीपेमेंट। और पब्लिक वो तो इन्वेस्टर हो गया या पोटेंशियल इन्वेस्टर, पब्लिक तो मतलब वो शेयर होल्डर हो गए डिविडेंड के लिए, तो पब्लिक तो मतलब जैसे आप आपने लेट से हिंदुस्तान यूनिलीवर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे तो आपकी क्या दिलचस्पी है, आप तो ना स्टेक होल्डर हो, मतलब आप तो ना कोई शेयर होल्डर हो ना इन्वेस्टर हो, तो आप क्यों देख रहे हो। हाँ वो एक हो सकता है कि जो वो बोल रहे हैं कि सोशल या इकोनॉमिकल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कंपनी पूरा कर रही है कि नहीं, और कई बार प्रोडक्ट की क्वालिटी भी आप इंश्योर कर लेते हो, अगर कंपनी अच्छा कर रही है तो आपको लगता है कि चलो ठीक है हम इस कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, अगर कंपनी नुकसान कर रही है लगातार तो आपको डाउट भी हो सकता है कि भाई कुछ गड़बड़ है ना, तो ये सब हो सकता है। तो इसमें हम लिख लेते हैं डिटरमाइन कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी, इकोनॉमी में मतलब क्या कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही है कंपनी, तो जनरली पब्लिक ये दिलचस्पी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। तो ये बेसिकली यूज़र्स होते हैं अलग अलग, तो ये आपने बचपन में वैसे टॉपिक पढ़ रखा हो तो आपको याद आ जाएगा है ना, कुछ भी हो सकते हैं। हाँ वो तो हमने नाम स्पेसिफिक दे दिया, इन्वेस्टर मतलब उसने इन्वेस्ट कर रखा है, लेंडर मतलब उसने लोन दे रखा है, पब्लिक मतलब हो गया कि कोई भी हो सकता है वो इन जनरल। हाँ फिर उसको लगा कि कंपनी अच्छी है तो उसने इन्वेस्ट कर लिया, फिर इन्वेस्ट करने के बाद वो एक साल बाद एनालाइज करेगा कि कंपनी में प्रॉफिट है कि नहीं है। तो मतलब अलग अलग यूज़र्स हो सकते हैं जिनकी अपनी अपनी दिलचस्पियाँ होंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो मतलब ये सब स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो इन सबको हम बोल देते हैं कि ये यूज़र्स हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर टू, दूसरा पॉइंट है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। तो ये मैं क्लास 11th में पढ़ाता हूँ बच्चों को,
फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस कि भाई जब आप मुंशी बनते हो तो आपको सिखाया जाता है कि कुछ बातें एज्यूम करनी है, अजम्पशंस क्या, और तीन होती हैं, कस्में खाते हैं बच्चे क्या कस्में खिलाई थी आपको 11th क्लास में? एक अजम्पशन ये गोइंग कंसर्न, दूसरी अजम्पशन कंसिस्टेंसी, और तीसरी कसम मतलब अजम्पशन एक्रूअल। तो तीन ही अजम्पशंस होती हैं पूरे मुंशी के जीवन में, तो हमें तीन बातें अज्यूम करनी पड़ती हैं हमेशा, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल। बाकी जो आप कहना चाह रहे होंगे वो सब प्रिंसिपल्स हैं, मटेरियलिटी, फुल डिस्क्लोजर, कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस, ये वो, लेकिन अजम्पशन ये तीन ही होती हैं, ठीक है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल। अब इनका क्या मतलब है? तो गोइंग कंसर्न का मतलब बताओ, हाँ, बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर फोरसीएबल फ्यूचर, मतलब जब तक आप दूर दृष्टि से देख सकते हो तब तक कंपनी चलती रहेगी। ये सोचना है आपको, वो अलग बात है कल बंद हो जाए, लेकिन ये हम एज्यूम करते हैं, हम सोच के काम करते हैं कि कंपनी तो चलती रहेगी, बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर फोरसीएबल फ्यूचर एंड विल नॉट लिक्विडेट, और बंद नहीं होगी, ये सोचना है हमें। कंसिस्टेंसी, ये क्या सोचना है हमें, कम से कम एक साल नहीं, सालों साल तक करती रहेंगे, तो इसमें हम क्या एज्यूम करेंगे कि सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज शुड बी फॉलोड इन ऑल अकाउंटिंग पीरियड्स, कि भाई आप सेम ही अकाउंटिंग पॉलिसियों को लगातार फॉलो करते रहोगे हर साल हर साल हर साल, तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। और एक्रूअल, इस पर तो आपका पूरा जीवन बेस्ड है, हाँ, कि ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड या ट्रांजैक्शंस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे अकर, जब वो हुई, कॉमा, नॉट व्हेन सेटलमेंट इज मेड, पैसे चाहे मिले नहीं मिले, बाद में मिले जल्दी मिले, वो सब बेकार है, तो हम एक्रूअल बेसिस को फॉलो करते हैं, कैश बेसिस को फॉलो नहीं करते। तो ये हमें तीन अजम्पशन सोचनी है। तो इतनी बात तो क्लास 11th के बच्चे को भी बैठा देते तो वो भी लिख लेता, उसको भी पता होती। तो अब आपको सीए इंटर में क्यों पढ़ाया जाए, फिर कुछ तो नया बन होना चाहिए इनमें बातों में, है ना? तो अब इन तीनों के बारे में, मतलब मेनली तो दो के बारे में, हमें एक दो बात दो दो बातें और ऐड करनी। तो पहले गोइंग कंसर्न के बारे में एक और एरो डाल के मेन चीज़ ऐड करनी, जिस पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है 5 नंबर का, सोचो इस छोटे से बादल से, ठीक है, 5 नंबर का, और काफ़ी बार आया और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो वो बात लिखते हैं पहले, फिर हम क्वेश्चन करेंगे भी बाद में जब, तो आपको समझ आ जाएगा। तो इसमें लिखना है, If going concern assumption fails, if going concern assumption fails, then, तो क्या होगा? अगर मान लो कंपनी ने मुंह पर आपको बताया कि मुंशी जी हम कंपनी परसों बंद कर रहे हैं, तो अब तो आप एज्यूम नहीं कर सकते भाई, एज्यूम तो तब करोगे जब कोई कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन अगर मुकेश अंबानी ने आपको मुंह पर बोल दिया कि मैं परसों कंपनी बंद कर रहे हैं हम, तो और आप वहाँ के मुंशी हो, तो अब क्या होगा? ये है पॉइंट, है ना? तो इफ़ गोइंग कंसर्न अजम्पशन फेल्स, मतलब अब ये अजम्पशन हमको पता है कि नहीं चल रही, अब हमको पता है कि बिजनेस परसों बंद हो रहा है, देन तो हमें मतलब क्या करना है? तो लिख लो एक लाइन, देन
एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है ना। बाकी इसके नीचे लिख लेना, अभी हम थोड़ी देर बात करेंगे। रेफर इलस्ट्रेशन वन, इस पर पूरा एक इलस्ट्रेशन वन है और इनफैक्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3 भी है जो आपसे करवाऊंगा, ठीक है ना। तो मतलब इस अकेली अंग्रेजी पर दो क्वेश्चन हैं एग्जाम में, मतलब ये आते भी हैं, वो हम करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन अभी के लिए इतनी बात हो गई कि भाई अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन फ्लॉप हो जाएगी तो फिर हमें क्या करना है, मतलब हाँ एसेट्स को कॉस्ट वॉस्ट पे नहीं करना, एनआरवी पर करना है। क्योंकि अब हमें ये सोच के अब सारी मुंशीगिरी करनी पड़ेगी कि बिजनेस परसों बंद हो रहा है, मतलब हमारी सोच बदल जाएगी, है ना। तो वो सब अभी हम क्वेश्चन में भी वैसे सीख जाएंगे, लेकिन फिलहाल आप ये बादल लिख लो। अच्छा, कंसिस्टेंसी के नीचे का बादल, ये थ्योरेटिकल पॉइंट ही है खाली। तो इसमें आप लिख लो कि अकाउंटिंग पॉलिसी मे बी चेंज्ड, अकाउंटिंग पॉलिसी मे बी चेंज्ड। अब ऐसा नहीं है कि भाई एक साल फॉलो कर ली तो भाई अब सर गुनाह हो गया, अब हम क्या कभी चेंज ही नहीं कर सकते, कंसिस्टेंटली एक ही फॉलो करना है, तो ऐसा नहीं है। हम चेंज कर सकते हैं लेकिन तीन कंडीशंस में से किसी एक के होने पर ही। तो ये भी आपको 11th में CA फाउंडेशन में मैंने तो पढ़ाया था। तो बताओ जी, हाँ, और तीन थे ना। तो पहला है इफ़ लॉ रिक्वायर्स, अगर मान लो कानून में ही चेंज आ गया, मोदी जी ने आज रात 8 बजे घोषणा कर दी कि भाई कल से SLM मेथड बंद हो जाएगा रात्रि 12 बजे से और WDV लगाना है, तो फिर तो आपको करना पड़ेगा। तो इफ़ लॉ रिक्वायर्स, और बी इफ़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्स, ये हमारे लिए छोटे कानून के बराबर हैं। तो अगर कल को ICAI ने निकाल दिया नोटिफिकेशन कि भैया इन्वेंट्री की वैल्यूएशन अब लीफो से नहीं करना फीफो से करनी है, तो फिर हम वो करेंगे, अब ये चेंज हो गया लॉ में। और तीसरा जो उत्कर्ष भाई ने बताया कि फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि अगर हमें लगता है कि भाई पॉलिसी चेंज करने से हम ज़्यादा बेहतर प्रेजेंट कर पाएंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो फिर बस कर देंगे पॉलिसी चेंज, फिर किस बात का इंतज़ार हम तो CA हैं। तो अगर हमें लगता है कि पॉलिसी को बदलने से बेहतर प्रेजेंटेशन हो सकता है तो फिर हम पॉलिसी को बदल देंगे। तो ये बेसिकली तीन अकाउंटिंग अजम्पशंस होती हैं, और उससे मतलब एक दो छुटमुट बातें जो हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो क्लियर हो गया, तो ये था आपका पॉइंट नंबर 2। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, ये इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है, थ्योरी है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ये है क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये भी आपको वैसे बचपन में सिखाया गया था। बताओ जी क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। नहीं, 4 शब्द 4 पॉइंट्स थे इसमें। CA फाउंडेशन में भी मैंने तो पढ़ाया था, क्लास 11th में भी मैं तो पढ़ाता हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या 4 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो मैं पहले बोलता हूँ फिर लिखेंगे। एक होता है रिलायबिलिटी, रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी, ये 4 क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है ना। तो वही पॉइंट्स है, ये 11th की बातें हैं सारी, अपने छोटे भाई बहन की किताब देखना घर जाके, उसमें मिल जाएंगी, अपनी देखना। तो 4 क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो एक एक करके लिख लेना। तो पहली क्वालिटी है अंडरस्टैंडेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, या शाम को 11th के बच्चे आएंगे मैं उन्हें दिखाऊंगा कि भाई पढ़ो अभी अच्छे से देख लो, हाँ 4 साल बाद आएंगी बातें, फिर कहोगे कि सिखाया नहीं था।
अंडरस्टैंडेबिलिटी, तो इसका क्या मतलब है अंडरस्टैंडेबिलिटी का? अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, मतलब ऐसी हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन की समझ में आ जाए। तो लिख लेते हैं एक सिंपल लाइन कि भाई इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट should be readily understandable by the users। तो जानकारी इस तरह से प्रेजेंट करनी है कि भाई वो सबको आसानी से समझ आ जाए, है ना। ये नहीं कि बहुत ही आड़े तिरछे तरीके से हमने प्रेजेंट कर रखा है और यूज़र को समझ में ही नहीं आ रहा। तो ये पहली क्वालिटी अंडरस्टैंडेबिलिटी। दूसरी क्वालिटी है रेलिवेंस। तो रेलिवेंस का क्या मतलब होता है? नहीं, भरोसे लायक को तो रिलायबिलिटी कहते हैं। हाँ, तो मान लो मैंने पूछा भाई व्हाट इज़ योर नेम, तो बच्चा कह रहा है सर मैंने सुबह एप्पल खाया और मेरा नाम उत्कर्ष है, लेट्स से। तो इसका मतलब कि जो पूछा जा रहा है उससे फालतू की बातें आप बता रहे हो, तो वो नहीं होना चाहिए। तो रेलिवेंस का मतलब होता है कि जितना ज़रूरी हो, है ना, रेलिवेंट, कि जितना ज़रूरी हो। तो इन्फॉर्मेशन हमेशा उतनी देनी है जितनी ज़रूरी हो, तो इसको हम बोलते हैं रेलिवेंस। तो इसमें लिख लो थोड़ा एक दो बातें ज़्यादा, ये इम्पॉर्टेंट है कि इट इज़ नॉट राइट टू थिंक दैट मोर इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज बेटर। तो ये कह रहा है शुरू की लाइन में कि भाई ये सोचना गलत है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमेशा अच्छा है, फुल स्टॉप। ए मास ऑफ इररेलीवेंट इन्फॉर्मेशन, ए मास ऑफ इररेलीवेंट इन्फॉर्मेशन क्रिएट्स, बताओ क्या? कन्फ्यूजन। हाँ, क्रिएट्स कन्फ्यूजन एंड कैन बी इवन मोर हार्मफुल, एंड कैन बी इवन मोर हार्मफुल देन नॉन डिस्क्लोजर। तो इसका मतलब है कि आप अगर ना बताते वो फिर भी सही था, लेकिन आप उल्टी सीधी बातें बता रहे हो वो ज़्यादा खतरनाक है। तो इट इज़ मोर हार्मफुल देन नॉन डिस्क्लोजर, कि अगर आप कुछ बोलते नहीं वो फिर भी ठीक था, लेकिन आप उल्टी सीधी इररेलीवेंट इन्फॉर्मेशन बताओगे तो उससे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और वो ज़्यादा खतरनाक है। तो ये नहीं होनी चाहिए। तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मतलब इसी के नीचे दूसरा एरो डाल के, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द फॉलोइंग टू कॉन्स्ट्रेंट्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द फॉलोइंग टू कॉन्स्ट्रेंट्स इन दिस रिगार्ड। कॉन्स्ट्रेंट वर्ड को आप चाहे ब्लॉक कर लेना या हाईलाइट कर लेना, कॉन्स्ट्रेंट्स। तो कॉन्स्ट्रेंट का क्या मतलब होता है? बाधा, रुकावट। हाँ, तो अब देखो इसमें दो बाधाएं हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब रेलिवेंस कह रहे हैं कि भाई जितना ज़रूरी हो, तो मैंने पूछा बच्चे से भाई व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। अब बच्चा 6 महीने बाद आया, कह रहा सर माय नेम इज़ राजू, ठीक है। तो बच्चे ने रेलिवेंट बात बोली है ना, बात रेलिवेंट है, लेकिन इसमें हमें एक कॉन्स्ट्रेंट का ये ध्यान रखना है। तो पहला कॉन्स्ट्रेंट जो है वो लिखते हैं ए, पहला कॉन्स्ट्रेंट होता है टाइमलीनेस।
कि ऐसा ना हो कि आप इन्फॉर्मेशन बता रहे हो 6 महीने बाद, तो फिर उस रेलिवेंसी का कोई फायदा नहीं। पॉइंट समझ आए ना? तो टाइमलीनेस का मतलब है कि मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, अब बच्चा 6 महीने बाद बता रहा है माई नेम इज राजू, तो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, पर उसका फायदा क्या? तो पहला जो कॉन्स्टेंट होता है उसको हम बोलते हैं टाइमलीनेस। तो इसमें छोटी सी लाइन लिख लो कि भाई इफ देयर इज अनड्यू डिले, इफ देयर इज अनड्यू डिले इन द रिपोर्टिंग, इफ देयर इज अनड्यू डिले इन द रिपोर्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कॉमा इट मे लूज इट्स रेलिवेंस, कि भाई अगर इन्फॉर्मेशन देने में देरी हो रही है, अनड्यू देरी हो रही है, बच्चा 6 महीने बाद नाम बता रहा है, तो फिर उसका क्या फ़ायदा? तब तक तो हम अगली क्लास में पहुंच गए, है ना? तो पहला कॉन्स्टेंट हो गया टाइमलीनेस, और दूसरा है कॉन्स्टेंट बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट, बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। तो देखो इसका क्या मतलब है, ये भी पहले अपने फनी एग्जांपल से समझाता हूँ फिर लिखवाता हूँ। अब मान लो मैंने बच्चे से पूछा भाई व्हाट इज़ योर नेम, अब बच्चा चला गया घर, अब मैं उसके पीछे पीछे मेट्रो पकड़ के घर जा रहा हूँ कि भाई मुझे तो इसका नाम पूछना है, तो मैंने मेट्रो में 100 रुपये खर्च कर दिए, और मैंने फिर उससे नाम पूछा, उसने बताया माई नेम इज़ राजू, तो मुझे 100 रुपये खर्च करके इन्फॉर्मेशन मिल गई, लेकिन उसका नाम जानकर मुझे जो बेनिफिट हो रहा है वो हो रहा है सिर्फ 5 रुपये का, लेट से। तो मैंने उसका नाम जानने के लिए खर्चा कितना करा? 100 रुपये, और उसका नाम जानकर मुझे बेनिफिट कितना हुआ? 5 रुपये। तो फिर ये रेलिवेंसी बेकार है। तो सेकंड कॉन्स्टेंट है बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। तो अब लिखो अंग्रेजी की लाइन, फिर समझ जाओगे आप। तो इसमें लिखना है कि भाई डैश डाल के द बेनिफिट्स डिराइव्ड फ्रॉम इंफॉर्मेशन शुड एक्सीड, और शुड एक्सीड को आप हाईलाइट कर लेना चाहें तो याद भी रहेगा आपको, शुड एक्सीड द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इट। सिंपल, शुड एक्सीड द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इट। तो शायद आपने कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में पढ़ाओ, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एक होता है, या पढ़ोगे तो वो बेसिकली यही तो है कि मान लो मैं 100 रुपये खर्च कर रहा हूँ और वो 100 रुपये खर्च करके मुझे खाली 5 रुपये का बेनिफिट हो रहा है, तो फिर क्या लॉजिक है? तो ये वही लाइन लिख रहा है कि भाई द बेनिफिट डिराइव फ्रॉम इन्फॉर्मेशन शुड एक्सीड द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इट। तो भाई आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलना चाहिए तभी इन्फॉर्मेशन का फायदा है, नहीं तो फिर रेलिवेंसी किस बात की? तो समझ आ गया रेलिवेंस का पॉइंट? तो ये कभी कभी अकेला ही पॉइंट आ जाता है, तो आप पूरा लिख देना, ठीक है ना? तो दो क्वालिटी हो गई, अंडरस्टैंडेबिलिटी और रेलिवेंस। तीसरी क्वालिटी है, इसका नाम है जी रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी का क्या मतलब? जिस पर क्या किया जा सके? भरोसा किया जा सके, है ना? तो ऐसी इंफॉर्मेशन हो जिस पर भरोसा किया जा सके। तो इसमें यही लिखते हैं कि भाई द इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल, दैट इज फ्री फ्रॉम बायस एंड मटीरियल एरर्स, दैट इज फ्री फ्रॉम बायस एंड मटीरियल एरर्स। मतलब बायस ना हो, कोई गलतियाँ ना हो तो भरोसा कर सकते हैं, पहली बात। सेकेंड बात इसी में, प्रिंसिपल ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म शुड बी फॉलोड,
अब ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म सीए फाउंडेशन में आपको अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर सिखाया गया था। हालांकि हम यहाँ पर भी सीखेंगे, अभी AS1 में आएगा, बाद में जब पढ़ेंगे तब मैं डिटेल में सिखाऊंगा। लेकिन अगर किसी को याद हो तो इस पर अपना ज्ञान बांटे। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म का शॉर्ट बताया था, इसका मतलब होता है कि हमें सच्चाई को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है एज कम्पेयर टू लीगल फॉर्म। तो इसका मैं एक एग्जांपल देता था कि आपने आज एक बिल्डिंग खरीदी, ठीक है, उस बिल्डिंग की रजिस्ट्री मतलब समझते हो ना, आपकी लीगल डॉक्यूमेंट पे आपका नाम जो होता है वो होते होते 2 महीने लग गए। तो आप बैलेंस शीट में आज बिल्डिंग खरीद के आए लेकिन आपका रजिस्ट्री हुआ 2 महीने बाद, तो बैलेंस शीट में क्या आप आज बिल्डिंग शो करोगे? करो, क्योंकि सच क्या है कि आपने बिल्डिंग खरीदी लेकिन लीगल डॉक्यूमेंट कह रहा है बिल्डिंग 2 महीने बाद आपके नाम पर हुई है। तो ये पॉइंट बस ये कहता है कि सब्सटेंस का मतलब होता है सच्चाई और फॉर्म का मतलब होता है कानून या लीगल फॉर्म। तो ये आपको AS1 में भी सिखाऊंगा कि हमें सच्चाई को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है तो सच्चाई ओवर फॉर्म का मतलब होता है लीगल फॉर्म यानी कि कानून। ठीक है ना, तो ये हम AS1 में वैसे पढ़ेंगे, लेकिन ये लाइन लिख लो अभी। तीसरी बात बहुत ही ज़रूरी, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स मस्ट बी न्यूट्रल, प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी भी बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं, दैट इज न्यूट्रलिटी। तो इसका क्या मतलब है, ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स मस्ट बी न्यूट्रल का मतलब डेबिट क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट होने चाहिए। हाँ, तो क्या देखो, न्यूट्रल का मतलब होता है, लिखो, फ्री फ्रॉम बायस, डेबिट क्रेडिट। इस चैप्टर में डेबिट क्रेडिट नहीं सिखा रहे आपको, वो तो मुंशी को पता ही है, यहाँ सिखा रहे हैं प्रेजेंटेशन और प्रिपरेशन, है ना। यहाँ मुंशीगिरी नहीं सीख रहे, डेबिट क्रेडिट नहीं है इस चैप्टर में, फ्री फ्रॉम बायस होना चाहिए, उसको बोलते हैं न्यूट्रल। झुकाव नहीं होना चाहिए ना किसी भी तरफ, कि भाई क्लाइंट की तरफ ज़्यादा झुक गया या सरकार की तरफ ज़्यादा झुक गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। न्यूट्रल का मतलब होता है बिल्कुल जो सीसा का झूला होता है, न्यूट्रल मतलब कि दोनों तरफ किसी में भी ज़्यादा नहीं है, पक्ष नहीं है, है ना, फेवर नहीं है, तो फ्री फ्रॉम बायस उसको बोलते हैं न्यूट्रल। तो इन्फॉर्मेशन न्यूट्रल होनी चाहिए। और एक पॉइंट और लिख सकते हो छोटा सा, कि भाई इन्फॉर्मेशन मस्ट बी कंप्लीट, पूरी होनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन मस्ट बी कंप्लीट। तो ये सब चीज़ें मिलकर बन जाती हैं रिलायबिलिटी, कि भाई इस पर हम भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई तीसरी क्वालिटी। और फिर है उसके बाद आपकी चौथी और आखिरी क्वालिटी, वो सिंपल है, कंपैरेबिलिटी। तो कंपैरेबिलिटी का मतलब क्या, इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, कंपेरेबल। हाँ, तो सिंपल है, तो उसमें यही एक लाइन लिख लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड प्रोवाइड बोथ इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म कंपैरिजन, कि भाई इंफॉर्मेशन ऐसी हो जिससे आप दोनों तरह के कंपैरिजन कर सको, इंटर फर्म भी और इंट्रा फर्म भी। ये आपको चैप्टर 1 में भी सिखाया था ना, इंटर फर्म मतलब दो फर्म्स का सेम टाइम पीरियड पे, और इंट्रा फर्म मतलब सेम फर्म का दो अलग अलग टाइम पीरियड्स पे। तो दोनों तरह के आप कंपैरिजन कर सको, ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो क्लियर हो गया वाला पॉइंट। तो ये बेसिकली था पूरा एक अच्छा टॉपिक, इंपॉर्टेंट, कि भाई क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। इसके बाद नंबर 4, ये बहुत ईजी है,
क्योंकि ये अगर आपको नहीं पता तो फिर तो जीवन ही बेकार है। नंबर थ्री था क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, है ना, क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक, सॉरी। अब है मेन टॉपिक नंबर फोर, इसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट्स क्या हैं? तो ये तो बच्चा बच्चा गली मोहल्ले में जिसने कॉमर्स ले रखी है उसको पता होते हैं। तो प्रिंस भाई ढूंढ रहे हैं कुछ। चलो, तो पांच एलिमेंट्स लिखने हैं, वेरी सिंपल। पहला एलिमेंट है एसेट, तो इसके आगे डैश डाल के लिख लो, रिसोर्सेज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एंटरप्राइज। रिसोर्सेज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एंटरप्राइज कॉमा विच प्रोवाइड्स, क्या तीन कीवर्ड्स हैं। एसेट किसको बोलना है जीवन में? इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे मेरे को, रील भी बना रखी है इस पर। तीन कीवर्ड्स होते हैं, उसी चीज़ को एसेट बोलेंगे जीवन में? नहीं, एप्रिशिएट वेप्रिशिएट कुछ नहीं, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, जो चीज़ भविष्य में आपको आर्थिक फ़ायदा देगी, बस वो एसेट है। बाकी ये सब गाड़ी वाड़ी बेकार है। तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, ये कीवर्ड होते, तो उसी को एसेट बोलने का है। ठीक है, समझ गए उत्कर्ष भाई? नहीं तो एसेट थोड़ी ना, वो तो एक्सपेंस है। एसेट और एक्सपेंस में तो फर्क पता है ना, तो एसेट नहीं है, एक्सपेंस है वो, एक्सपेंस है वो। अच्छा, दूसरा है लायबिलिटी, बल्कि एक्सपेंस भी नहीं, लायबिलिटी है वो, क्योंकि लायबिलिटी का मतलब होता है जो फ्यूचर में इकोनॉमिक आउटफ्लो करवाए, तो उल्टा वो लायबिलिटी है वैसे तो टर्मिनोलॉजी के हिसाब से, है ना, तो लिख लेते हैं। लेकिन लायबिलिटी का मतलब है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, arising from past event, comma, the settlement of which is expected to result in, फिर keywords हैं इनके बाद, result in outflow of resources। तो liability किसी भी ऐसी चीज़ को बोलते हैं जो हमारी present obligation है। इसमें ना present word highlight कर लेना, ये एक important word है। liability हमेशा आपकी आज की present obligation होती है, आज की obligation present, क्योंकि हम एक बाद में definition पढ़ेंगे या आपने पहले भी शायद पढ़ रखी हो। इसी definition में अगर मैं present word की जगह रिप्लेस करके लिख दूंगा ना पॉसिबल ऑब्लिगेशन, मान लो अगर प्रेजेंट वर्ड की जगह खाली मैं पॉसिबल वर्ड कर दूं, तो दोनों में फ़र्क चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब है कि मुझे पता है आज कि मेरे सर पर बोझ है, लेकिन पॉसिबल ऑब्लिगेशन का मतलब है कि मुझे सिर्फ लग रहा है। समझ रहे हो फ़र्क? हाँ एग्जैक्टली, यही मैं बोलने वाला था। अगर ये वर्ड पॉसिबल हो जाता ना, तो फिर ये लायबिलिटी ना रहती, ये कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी बन जाती, तो फिर ये बैलेंस शीट से बाहर आती। तो ये शब्दों का फेर है, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, है ना, कि भाई आपको पता है मेरी आज ऑब्लिगेशन है, तो दैट्स व्हाई इट इज़ अ लाइबिलिटी, है ना। तो ये लिख लो चाहे पॉसिबल वाला खेल, लेकिन पता होना चाहिए।
लेकिन एग्जाम में नहीं लिखना कि भाई आप एग्जामिनर को भी समझा रहे हो कि देखो मुझे पता है। आपको लाइबिलिटी लिखनी होगी तो बस रिसोर्सेज तक लिखना है, ठीक है? तो एसेट हो गया, लाइबिलिटी हो गई, और क्या होता है तीसरा? कैपिटल, हाँ वो भी आएगा अभी। तीसरा होता है कैपिटल, लेकिन कैपिटल लिख देंगे तो 11th का बच्चा कहेगा भैया भैया आप ये वही बातें पढ़ रहे हो जो मैं पढ़ता हूँ, तो उसको डराने के लिए हम लिख देंगे इक्विटी कि भाई देख नया टर्म लाए हैं हम। तो इक्विटी या कैपिटल का क्या मतलब है लिख लो, रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ एन एंटरप्राइज रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ एन एंटरप्राइज आफ्टर डिडक्टिंग क्या ऑल लाइबिलिटीज। तो इंग्लिश देखो कितनी डिजाइनर बना दी। तो अब इस डेफिनेशन का मतलब बताओ, मतलब समझ गए? वैसे तो कैपिटल क्या है? एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो बस उसी बात को थोड़ा डिजाइनर तरह से लिख रखा है कि भाई इक्विटी या कैपिटल का मतलब हो गया रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ एन एंटरप्राइज आफ्टर डिडक्टिंग ऑल लाइबिलिटीज। तो इसको हम नेट एसेट्स भी बोल देते हैं, इसीलिए मतलब इक्विटी कह लो या ऐसे लिख सकते हो दैट इज नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स का मतलब ही कैपिटल है ना? तो देखो क्या क्या टर्म्स बन गए। तो एसेट हो गया, लाइबिलिटी हो गई, कैपिटल हो गया, चौथा और पांचवा क्या? एक्सपेंस और मतलब रेवेन्यू, वही। तो चौथे में लिख लेते हैं इनकम या गेन, और एक लाइन छोड़ के पांचवे में लिख लेते हैं एक्सपेंस या लॉस। तो इनकम का तो मतलब आपको पता ही है, बस एक लाइन लिख लो इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। और एक्सपेंस का डिक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। बस तो ये पांच एलिमेंट्स होते हैं जो आपको वैसे पता ही हैं। बाकी इसके नीचे एक स्टार डाल के लिख लेना, अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, वो आपको फॉर्मूला बचपन में सिखाया था, एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी, है ना? और इसमें इनकम और एक्सपेंस कहाँ चले गए? वो क्यों नहीं आए? इक्विटी में आ गए, बिल्कुल सही। इनकम और एक्सपेंस जो होते हैं वो अलग से कहीं इस इक्वेशन में नहीं आते, मतलब अलग से का मतलब है अलग से ऐसे दिखेंगे नहीं, लेकिन इनकम अगर होगी तो वो इक्विटी में क्या हो रही होगी? ऐड हो रही होगी। और एक्सपेंस अगर होगा तो वो इक्विटी में या इक्विटी को कम कर रहा होगा, है ना? तो वो इसमें छुपे हुए हैं। तो अल्टीमेट अकाउंटिंग इक्वेशन वही होती है कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो इसके भी बुक में दो क्वेश्चंस हैं। तो ये हो गया आपका मतलब एक छोटा सा टॉपिक कि भाई एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं। इसके बाद जी नंबर पांच, अगला टॉपिक, इसका नाम है मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कि भाई अब ये तो पता चल गए, चलो एसेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम है, एलिमेंट्स तो पता चल गए सर, लेकिन उन्हें मेजर कैसे करोगे?
सर मेजर कैसे करेंगे? वो तो क्वेश्चन में दिया होता है, मशीन 1 लाख की, बिल्डिंग 5 लाख की, मेजर करेंगे, ये क्या बात हुई? तो भाई ये भी बात है, ये भी आपको CA फाउंडेशन में पढ़ाया था, Chapter 1 Unit 5, एक छोटा सा यूनिट था मेजरमेंट प्रिंसिपल्स का, उसमें आपको वैल्यूएशन के 4 प्रिंसिपल्स बताए थे, ठीक है? वैल्यूएशन के 4 प्रिंसिपल्स ही होते हैं, मेजरमेंट के 4 ही प्रिंसिपल्स होते हैं। मतलब अगर मुझे मॉनिटरी वैल्यू निकालनी है ना भैया बॉटल की या कुछ किसी भी चीज़ की, तो 4 प्रिंसिपल्स होते हैं। तो लिख लेते हैं एरो डाल डाल के एक एक लाइन के गैप में। तो करो अपने हुनर का प्रदर्शन अगर याद है तो। लिखो पहला हिस्टोरिकल कॉस्ट, चलो लगाओ अंदाजा, हिस्टोरिकल कॉस्ट और हाँ वो जो था करंट कॉस्ट, दूसरी थी, तीसरी रियलाइजेबल ब्रैकेट में लिख लेना सेटलमेंट वैल्यू, और चौथा प्रेजेंट वैल्यू। तो 4 तरह के वैल्यूएशंस, मतलब प्रिंसिपल, ये CA फाउंडेशन में इसका नाम था 4 टाइप्स ऑफ वैल्यूएशन प्रिंसिपल, Chapter 1 के अंदर था ये, ठीक है? वही मेजरमेंट है बेसिकली, कि भाई हम किसी भी एसेट लाइबिलिटी वगैरह को जब मेजर करते हैं तो अलग अलग वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो बस हमें इनके मीनिंग पता होने चाहिए बेसिक। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट किसे कहते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब है कि आपने जितने का खरीदा उसे कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट, कि आपने जितने का खरीदा। तो मान लो जैसे ये, मान लो ये मोबाइल फ़ोन है लेट से, ठीक है, ये मेरे हाथ में, तो मैंने अगर ये बोला कि ये मैंने 10,000 का ख़रीदा, तो इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है? 10,000। तो इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट, जितने का आपने ख़रीदा। लेकिन करंट कॉस्ट किसे बोलते हैं? करंट कॉस्ट जो इस समय चल रही है, ऐसा बच्चा सोचता है, लेकिन ये एग्जैक्ट परिभाषा नहीं है। इसकी करंट कॉस्ट का मतलब एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी वो बताता हूँ। इसकी करंट कॉस्ट कहते हैं कि बिल्कुल इसका जो सिमिलर फ़ोन है वो आज कितने का है। तो थोड़ा सा शब्दों का फ़र्क है बस, है ना? तो करंट कॉस्ट का मतलब होता है कि भाई ये तो मेरा फ़ोन है, मैंने 10,000 का ख़रीदा था, लेकिन बिल्कुल इसके जैसा जो सिमिलर मॉडल है फ़ोन का वो आज बाज़ार में कितने का है, उसको करंट कॉस्ट कहते हैं, ये मतलब होता है, ठीक है ना? तो करंट कॉस्ट में आप लिख लो कि भाई प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ सिमिलर एसेट। प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ सिमिलर एसेट उसको हम बोलते हैं करंट कॉस्ट। रियलाइजेबल वैल्यू, ये इसका क्या मतलब होता है? हाँ, अब इसका मतलब है कि ये मेरा फ़ोन है, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं ये बेचूँगा तो कितने का बिकेगा, तो इसको बोलेंगे रियलाइजेबल वैल्यू। तो रियलाइजेबल वैल्यू हमेशा एक्सपेक्टेड होती है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना फ़ोन अगर बेचूँगा तो हाउ मच मनी विल आई रियलाइज, तो इसको बोलते हैं रियलाइजेबल वैल्यू। तो इसमें आप लिख लो कि भाई ऐसे लिख लो रियलाइजेबल वैल्यू के बारे में कि भाई एसेट विल बी रियलाइज्ड या ब्रैकेट में सोल्ड एट दिस वैल्यू। तो इस वैल्यू का मतलब है कि भाई एसेट अगर बेचेंगे या रियलाइज करेंगे तो इस वैल्यू पर रियलाइज करेंगे, यानी कि एसेट को बेचने पर हमें इतने रुपए मिलेंगे, उसको हम बोलते हैं रियलाइजेबल वैल्यू। और प्रेजेंट वैल्यू, नहीं मार्केट वैल्यू नहीं, वो तो मार्केट प्राइस होता है। प्रेजेंट वैल्यू तो आपको पता होना चाहिए, आप तो कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने वाले CA इंटर के बच्चे हो, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी CA फाउंडेशन पास करके आए हो, मैथमेटिक्स में एक चैप्टर था आपका,
तो उसमें प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है भाई? प्रेजेंट वैल्यू पहले ऐसे ही समझा देता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू मतलब ये है कि आज मान लो आप यहाँ खड़े हो अभी, ठीक है, और मैंने आपको बोला कि मैं आपको 5 साल बाद 1 करोड़ रुपए दूंगा, और आप कह रहे हो सर 5 साल बाद मत दो, 1 करोड़ आज ही दे दो, तो क्या मैं आपको आज 1 करोड़ दूं? लॉजिकली नहीं है ना, क्योंकि जो 5 साल बाद 1 करोड़ है, तो जब आप उसको आज खींच के आज की वैल्यू निकालोगे कि भाई 5 साल बाद के 1 करोड़ है, तो आज की वैल्यू तो हो सकता है भाई थोड़ी सी कम आए, आज के हिसाब से वो मान लो 70 लाख बन रही होगी। तो मैं आपसे ये कहूँगा ना कि भाई देखो आज लेने तो 70 लाख ले लो, या 5 साल बाद लोगे तो फिर 1 करोड़ ले लो। तो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है कि जब वैन यू डिस्काउंट द फ्यूचर वैल्यूज टू प्रेजेंट, जब आप भविष्य की किसी वैल्यू को खींच के आज की वैल्यू में तब्दील कर देते हो, कन्वर्ट कर देते हो, तो दैट इज प्रेजेंट वैल्यू, है ना। तो ये मोबाइल के एग्जांपल में थोड़ा फिट करना मुश्किल है, लेकिन ऐसी मान लो हम कोई एसेट खरीदते हैं ये, ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस एसेट से मुझे हर साल 10,000 रुपये की इनकम होगी। मैं ऐसा सोच रहा हूँ लेट से कि इस मोबाइल फ़ोन से मुझे हर साल 10,000 रुपये की इनकम होगी 5 साल तक, तो अब क्या मैं इसकी वैल्यू आज ये मान लूँ कि भाई 50,000 है, प्रेजेंट वैल्यू 50,000 मान लूँ? गलत हो जाएगा, क्योंकि 10,000 रुपये मैं हर साल बाद कमाऊँगा, तो मुझे इन सब पैसों की आज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, मुझे इन सब को आज की टर्म्स में लाना पड़ेगा। इसके लिए आपने मैथमेटिकल फॉर्मूले पढ़ रखे होंगे ना भाई, 1/1 + r / n, ये सब नाटक करे होंगे बचपन में, है ना। तो वो सब नाटकबाजी नहीं करनी हमें, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू का मतलब ये होता है कि भाई डिस्काउंटेड की गई वैल्यू भविष्य की जो आज हो, उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। तो बस इसमें आप लिख लो कि भाई डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फ्यूचर फ्लोज, फ्यूचर के जो भी फ्लोज हैं, फ्लो मतलब वही पैसा, उनको हम डिस्काउंट कर लेते हैं तो वो आज की वैल्यू बन जाती है, तो उसको हम प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। तो ये मतलब प्रेजेंट वैल्यू वही है जो आप मैथमेटिक्स में वैसे पढ़ते हो। तो 4 तरह की वैल्यूज हो सकती हैं, है ना। तो ये भी एक मतलब छोटा सा टॉपिक था मेजरमेंट का। और उसके बाद है 6th लास्ट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक, फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, बल्कि वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना 4-5 नंबर के लिए। इस पर क्वेश्चन आ जाता है, इसका नाम है फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस। तो इसमें अभी लिखते समय दिमाग मत लगाना कि सर ये क्या लिख रहे हो, जब मैं एक एग्जांपल करेंगे हम इसका तब समझाऊंगा, अभी कुछ कॉन्सेप्ट है तो बस लिख लेना, ज़्यादा नहीं सोचेंगे हम। तो इसका नाम है फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, ठीक है। तो इसमें 3 बातें होती हैं, तो लिखनी है आपको। पहली, नंबर 1, एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, इसको आप हाईलाइट कर लेना, डैश डाल के लिखना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एसेट्स आर स्टेटेड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। सेकेंड, एट करंट परचेजिंग पावर, एट करंट परचेजिंग पावर, इसमें आप डैश डाल के लिख लेना, रीस्टेटमेंट एट क्लोजिंग प्राइसेस यूजिंग एवरेज प्राइस इंडेक्स। तो अभी हम एग्जांपल करेंगे ना, तो आप समझ जाओगे, ये सब गिवन होगा। अभी लिखते समय आपको थोड़ा डर लगेगा, तो डरना मत, सिंपल बातें हैं। और थर्ड,
एट फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, एट फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। तो इसमें डैश डाल के बिल्कुल ऊपर वाली अंग्रेजी चेपनी है, रीस्टेटमेंट एट क्लोजिंग प्राइसेस यूजिंग, बस एवरेज की जगह आ जाएगा स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स। लेकिन ये तो हो गई थ्योरी, जो वो एग्जाम में पूछता नहीं है। एग्जाम में इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है 4 नंबर का छोटा, तो उसमें हमें थोड़ा सा मैथमेटिकल कुछ फॉर्मूला लिखना है। तो ये लिख लिया पहले, तो हम तीनों के लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखेंगे। तो उसके लिए आप पेज को 3 भागों में डिवाइड कर लो बराबर बराबर, या एक काम करो 3 भागों में मत करो, एक ही फॉर्मूला है वो, एक ही लिख लो बस, बॉक्स बना लेना बाद में, क्योंकि फॉर्मूला सेम है, वो तो वैल्यूज़ बदल जाएंगी, वो मैं आपको क्वेश्चन में ही सिखा दूंगा। तो बस एक ही फॉर्मूला है वो लिख लो बॉक्स के अंदर, क्लोजिंग कैपिटल ब्रैकेट में लिखना है एट एच सी ऑब्लिक सी पी ऑब्लिक पी सी। तो सर ये क्या है, हाई कोर्ट कनॉट प्लेस और प्रियंका चोपड़ा, हाँ वो तीनों जो केस हैं वो उनको शॉर्ट में लिख लिया। तो बस ये चेंज होगा, तो हर केस में आपका ये चेंज होगा। तो एट एच सी मतलब हाई हिस्टोरिकल कॉस्ट, सी पी मतलब करंट परचेजिंग पावर, और पी सी मतलब फिजिकल कैपिटल। वो क्वेश्चन में अभी गिवन होगा, अभी मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ। तो क्लोजिंग कैपिटल तीनों केस में जिसमें जो होगी वो लिखेंगे, और माइनस करना है ओपनिंग कैपिटल, वो भी ब्रैकेट में, तीनों केस में जो भी जो होगी एच सी सी पी पी सी वो माइनस करना है, और माइनस इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है एडिशनल, वो भी वही तीनों जो भी होंगी एट एच सी सी पी पी सी तीनों केस में। तो इसीलिए मैंने 3 अलग अलग कॉलम नहीं बनवाए, क्योंकि फॉर्मूला सेम है, वो तो बस हर केस में वो बदल जाएगी वैल्यू। तो फिर जो आंसर आएगा तो अगर पॉजिटिव आया तो क्या कहोगे, प्रॉफिट। नेगेटिव आया तो क्या कहोगे, लॉस। तो येलो में क्या लिखना है सर, येलो में कीवर्ड लिखना है, उसको बोलना है हमें रिटेन्ड, रिटेन्ड, ठीक है। तो ये मैं आपको अभी कॉन्सेप्ट जो लिख रहे हैं पूरा वो क्वेश्चन में ही समझाऊंगा, जो लास्ट पॉइंट हमने लिखा कॉन्सेप्ट, चलिए हम एक क्वेश्चन में समझेंगे, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ये जो फॉर्मूला है इसका एक बेसिक चीज़ समझा देता हूँ, ये आपने थोड़ा, ताकि आपके मन में पिक्चर क्लियर रहे। जैसे मान लो मेरी ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, मेरी ओपनिंग कैपिटल लेट से है 10,000, ठीक है। फिर कुछ समय के बाद मैं एडिशनल कैपिटल और लेकर आया 5,000, तो मेरी कैपिटल कितनी हो गई, 15,000। तो अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि साल के एंड में क्लोजिंग में मेरी कैपिटल 18,000 है, तो बताओ आपको क्या पता चलेगा, 3,000 कहाँ से बढ़ गए, प्रॉफिट, यही बोलोगे आप।
तो अब अगर इसी चीज को एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बना दिया जाए कि भाई क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस कर दो और एडिशनल को माइनस कर दो तो आंसर प्रॉफिट आ जाएगा, तो ये 11th क्लास में बच्चे सीखते हैं, ये भी याद आ गया 11th में। तो यही फॉर्मूला ऊपर लिखा है, देखो अब ऊपर फॉर्मूला क्या लिखा है, क्लोजिंग कैपिटल CP PC वो तो अलग अलग केस हो गए, माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल, आंसर आ गया प्रॉफिट। बस हाँ ये है कि ये प्रॉफिट या लॉस जो भी आया, ये रिटेन्ड लिखने का मतलब ये होता है कि इस कॉन्सेप्ट में हम ये चाहते हैं कि ये जो भी प्रॉफिट है वो हम अपने पास रोक के रखें, इसको डिविडेंड की तरह ना दे दें, तो बस इसलिए वर्ड आ गया रिटेन्ड। इसीलिए इस टॉपिक का नाम होता है फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, कि भाई मतलब आपको अपनी कितनी पूंजी बरकरार रखनी है, ये नहीं कि पूंजी तो आ गई और उसको बांट दिया, डिविडेंड दे दिया या कहीं और लगा दिया, तो आपको मेंटेन करना है। तो मेंटेन करने का मतलब होता है कि आपका जो भी मुनाफा है वो आपको क्या करना है, रिटेन करना है, तो इसीलिए वर्ड आ गया रिटेन। तो फॉर्मूले का लॉजिक तो क्लियर हो गया ना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग माइनस एडिशनल, बाकी क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली पूरे मतलब कॉन्सेप्ट्स थे चैप्टर टू के, तो आप इसको क्लोज कर सकते हो, तो कभी भी रिवाइज करोगे तो आपके पास यहाँ तक की जानकारी कॉन्सेप्ट में हेल्प करेगी। अब हम बुक में चलते हैं इन सब बातों के क्वेश्चंस करने के लिए। चलो तो आप हेडिंग डाल दो इलस्ट्रेशन वन, ठीक है ना, ये इम्पॉर्टेंट भी है, स्टार लगा देते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं फिर करेंगे सॉल्व। बैलेंस शीट ऑफ ए ट्रेडर ऑन 31st March इज गिवन बिलो, ठीक है। तो हमें एक ट्रेडर की बैलेंस शीट दे रखी है, एक बार ऊपर ऊपर से नज़र मार लो, कैपिटल है, प्रॉफिट, लोन, क्रेडिटर, एसेट्स, PPE, स्टॉक, डेटर, डेफर्ड कॉस्ट्स। तो ये हो सकता है आपको पढ़ के थोड़ा डर लगे, 10,000, बाकी बैंक। तो डेफर्ड कॉस्ट एसेट साइड पर लिखा हुआ है, तो आपको अगर डर भी लग रहा है कि भाई क्या ये कौन सी बला आ गई, तो आप इससे डरो मत, ऐसा समझ लो कि भाई कोई भी एसेट है, तो मन की आंखों से, एग्जाम में नहीं काटना, मन की आंखों से समझ लो कि ये फर्नीचर लिखा है, ऐसा थोड़ी देर के लिए समझ लो, तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं है, तो एसेट साइड पे लिखा है ना, तो कुछ भी होगा है तो एसेट ही, तो हम सोच लेते हैं कि फर्नीचर लिखा है ताकि हमें डर ना लगे वर्ड से कि डेफर्ड कॉस्ट। अच्छा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये कुछ दे रखा है अभी फ़िलहाल, ए बी सी, इन पे अभी हम आएंगे, डी ई एफ जी एच आई। अब पढ़ो लास्ट लाइन, यू आर रिक्वायर्ड, मेन चीज़ ये है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर PNL अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हमें PNL और बैलेंस शीट बनाना है ट्रेडर का, इन बोथ केसेस। अब ये है मेन चीज़, पहला है एज्यूमिंग गोइंग कंसर्न, मतलब हम क्या मान रहे हैं कि ये चलता रहेगा 10 साल तक, 20 साल तक, 25 साल तक। और दूसरा केस कह रहा है नॉट एज्यूमिंग गोइंग कंसर्न, तो आपके लिए ये सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। पहला केस तो 11th के बच्चे को भी बुला के मैं करवा सकता हूँ, वो कर देगा, आपको अब ये सीखना ज़्यादा ज़रूरी है कि अब हम जब सेकंड केस सॉल्व करेंगे तो हमारा दिमाग ऐसे चलेगा कि परसों बिजनेस बंद हो रहा है, और उस हिसाब से फिर हम सारी मुंशीगिरी करेंगे, है ना। तो खैर हम तो दोनों केस करने, तो ऐसा करते हैं साथ साथ स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, फिर उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन है एक साथ पढ़ के करते रहेंगे। तो आप लिखो सॉल्यूशन कैसे करना है एग्ज़ाम में, तो दो चीज़ों के ढांचे बनाने, PNL अकाउंट बड़ा सा बना लेना और दो कॉलम का बना लेना, केस वन केस टू। डेबिट क्रेडिट केस वन केस टू, और इसी तरह बैलेंस शीट बना लेते हैं, वो भी आप दो कॉलम वाली बना लेना, केस वन केस टू। ठीक है, तो पहले आप ढांचा बना लो, हाँ।
ठीक है, बना लिया दोनों। तो पहले हम ऐसा करेंगे, हम केस टू नहीं सोचेंगे, पहले हम पूरा वन सॉल्व करते हैं। तो बैलेंस शीट भी वन के हिसाब से करते हैं, पीएनएल भी वन के हिसाब से करते हैं। हम ऐसा सोचते हैं, अभी हम क्लास एलेवेंथ में हैं, ठीक है। तो केस वन का मतलब है कि हमारा गोइंग कंसर्न चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। तो पहले हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं और उससे डिस्कशन करते हैं। चलो पढ़ लें, पढ़ें। तो ए पॉइंट में देखो क्या लिखा है। ए पॉइंट में लिखा है, रिमेनिंग लाइफ ऑफ पीपीई इज 5 ईयर्स, द पैटर्न ऑफ यूज ऑफ द एसेट इज इवन, ठीक है। द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ पीपीई ऑन 31 मार्च वॉज 60,000। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू का हमें क्या करना, हमारा तो बिजनेस चलता रहेगा अभी 25 साल तक, अभी तो हम केस वन में यही सोचेंगे। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू से तो हमें कोई मतलब नहीं है। अब वो कह रहा है कि भाई पीपीई आपका 5 साल तक चलेगा ये माना जाएगा। तो अगर पीपीई की वैल्यू या कॉस्ट दे रखी है 65,000 और वो 5 साल तक चलेगा और कह रहा है इवनली यूज़ होगा, तो इसका मतलब हर साल कितना डेप्रिसिएशन हो गया, 13,000। तो डेप्रिसिएशन हम कहाँ लिखेंगे, पीएनएल में। तो लिख देते हैं बस। तो केस वन में पीएनएल में हमें एक खर्चा मिल गया, डेप्रिसिएशन 13,000। और बैलेंस शीट में जब हम पीपीई लिखेंगे तो कितनी लिखेंगे, 65 में से माइनस कर देंगे 13, 52,000। तो क्लियर हो गया। ऐसी करते थे बचपन में हम, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट होती थी। उसके बाद दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में लिखा है बी, ट्रेडर्स परचेज एंड सेल्स फॉर 2001-02 4 लाख एंड 4.5 लाख रेस्पेक्टिवली। तो ये सेल और परचेज बता रहा है, 4 लाख और 4.5 लाख। तो सेल और परचेज कहाँ कहाँ लिखें, हाँ मतलब क्या वो बच्चों वाली हरकत है, ट्रेडिंग तो हम तो इसी में घुसा देंगे, लेकिन क्रेडिट साइड पे सेल लिख लेते हैं और डेबिट साइड पर परचेज लिख लेते हैं, क्योंकि उसने ट्रेडिंग बोला नहीं बनाने को, अगर बोलता तो मैं बना देता, तो उसने कहा नहीं तो हमने भी मेहनत नहीं करी। तो परचेज 4 लाख और सेल 4.5 लाख, ठीक है, सिंपल। उसके बाद थर्ड पॉइंट में कह रहा है, द कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2002 वर 32,000 एंड 40,000 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो मतलब ये आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट है 32,000 और नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 40,000। तो बताओ क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन का नियम क्या होता है, कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लोअर। तो दोनों में से लोअर क्या है, 32,000। तो हम क्लोजिंग स्टॉक को 32,000 लिख लेंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ लिखते थे बचपन में, दो जगह, एक तो मतलब इधर आ गया क्रेडिट साइड पर 32 और दूसरा बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक 32। ठीक है, ओके। उसके बाद अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर डी में लिखा है, एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन 10% लोन ऑफ 3500 फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 14,900 खर्चे। अच्छा, और उसने अपने आप भी इंटरेस्ट भी इंक्लूड करके दे दिया। भाई मान लो बच्चा दिमाग लगाता, अपने आप अलग से निकालता कि भाई 10% लोन है तो ब्याज भी होगा इंटरेस्ट भी होगा, तो उन्होंने खुद ही बता दिया कि भाई ये जो खर्चे हैं इसके अंदर ब्याज भी है 3500 का, उसने मतलब इंक्लूड करके ही खुद ही बता दिया। तो हमारे एक्सपेंसेस हैं 14,900 के। तो एक्सपेंसेस कहाँ लिखोगे, पीएनएल में।
टू एक्सपेंसेस 14,900। उसके बाद जी अगला पॉइंट ई में कह रहे हैं डेफर्ड कॉस्ट, मन में क्या पढ़ रहे हो आप, फर्नीचर। हाँ तो सेंटेंस चेंज कर लेना, फर्नीचर इज अमोर्टाइज्ड इक्वली ओवर 4 ईयर्स। तो फर्नीचर इज अमोर्टाइज्ड इक्वली ओवर 4 ईयर्स, तो फर्नीचर कह रहा है आप 4 साल में डेप्रिशिएट करोगे बराबर बराबर, तो कितना आ गया फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 2500 बस। तो कहाँ लिखोगे डेप्रिसिएशन, पीएनएल में, बस नाम डेप्रिसिएशन मत लिखना, आप लिख देते हैं टू अमोर्टाइजेशन 2500। तो क्लियर हो गया। और इसका दूसरा प्रभाव बैलेंस शीट में डेफर्ड कॉस्ट, अब कितने की लिखेंगे 7,500 जी, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट एफ, ट्रेड रिसीवेबल्स ऑन 31 मार्च 2002 इज 25,000, ठीक है, मतलब ये हमारे डेटर्स दे रखे हैं उसने, ऑफ विच जिसमें से 2,000 रुपये इज डाउटफुल, मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कलेक्शन ऑफ अनदर 4,000 रुपये डिपेंड्स ऑन सक्सेसफुल री इंस्टॉलेशन ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट सप्लाइड टू द कस्टमर। अच्छा, इसका मतलब है कि भाई हमारे 25,000 के डेटर्स में से 2,000 पर तो हमें डाउट है, और कुछ 4,000 वाले और हैं जो डिपेंड करते हैं किस पर, जब हम अपनी दुकान में एक सर्टेन प्रोडक्ट रीइंस्टॉल कर देंगे सक्सेसफुली तब वो कस्टमर पैसे देगा। तो अभी देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट हो गई, जब हमारा बिजनेस, हम अभी ये सोच रहे हैं कि अभी तो 25 साल चलेगा, तो फिर तो हम रीइंस्टॉल कर ही देंगे प्रोडक्ट, फिर तो इस 4,000 पे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब हम केस टू में जाएंगे और जब हमें पता है बिजनेस तो परसों बंद हो रहा है, तो फिर ये 4,000 भी बैड हो जाएंगे। तो अभी हम केस वन में हैं, तो केस वन में फिलहाल मेरे 4,000 रुपयों पर खतरा नहीं है, क्योंकि मैं अपना प्रोडक्ट रीइंस्टॉल कर ही दूंगा, मेरा बिजनेस तो अभी 25 साल चलेगा। लेकिन जब मैं केस टू में जाऊंगा तो ये 4,000 रुपये मेरे बैड हो जाएंगे। समझ आ गया पॉइंट। तो अभी मेरे लिए जो डाउटफुल हैं वो सिर्फ कितने हैं, ओनली 2,000, खाली 2,000 डाउटफुल हैं, 4,000 पे मेरे को कोई खतरा नहीं फिलहाल केस वन में। तो अब डाउटफुल डेट्स को कहाँ लिखेंगे, मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, पीएनएल में खर्चा 2,000 रुपये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और इसका दूसरा प्रभाव कहाँ आ जाएगा, बैलेंस शीट में जो हम ट्रेड रिसीवेबल्स लिखेंगे, तो 2,000 रुपये इसमें से आप माइनस कर दोगे तो कितने बचेंगे, ओनली 23। तो 25 में से 2,000 डाउटफुल माइनस हो गए, तो ठीक है ना, वो तो बचपन में करते ही थे आप, डेटर्स में से प्रोविजन माइनस। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट है जी, क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स इज 12,000 रुपये विच इज लाइकली टू बी सेटल्ड एट 5% डिस्काउंट। ठीक है, तो कह रहा है मेरे क्लोजिंग ट्रेड पेबल वैसे 12,000 के हैं, मतलब आज 31 मार्च को 12,000 के हैं। अब इनको हम, हो सकता है जब बाद में सेटल करें, लाइकली का मतलब है कि हो सकता है, तो इट इज लाइकली टू बी सेटल्ड एट 5% डिस्काउंट। तो अभी तो हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि हम बिजनेस करते रहेंगे, बिजनेस चलता रहेगा, गोइंग कंसर्न है। तो अभी तो हम अपनी बैलेंस शीट में ट्रेड पेबल्स जो क्लोजिंग वैल्यू उसने दे रखी है 12,000 वही शो करेंगे, जब अगले साल सेटल करेंगे तब की तब देखेंगे, अभी तो कोई टेंशन नहीं, अभी तो बिजनेस बंद नहीं हो रहा। लेकिन जब मैं केस टू में जाऊंगा और जब मुझे पता है कि परसों बिजनेस बंद हो रहा है, तो फिर मैं ट्रेड पेबल्स को ऑब्वियसली आज सेटल करूंगा, तब मैं फिर ये डिस्काउंट भी काट के दूंगा,
तो मतलब उस केस में मेरे ट्रेड पेबल्स चेंज हो जाएंगे। समझ आ रहा है आपको फर्क? तो अभी तो हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा, तो जब हम उन्हें सेटल करेंगे महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद, तब डिस्काउंट दे देंगे। लेकिन जब मैं केस टू में जाऊंगा तो वहां पर मुझे पता है कि बिजनेस तो आज बंद हो रहा है, तो फिर तो मुझे आज ही ट्रेड पेबल्स को भी रियलाइजेबल वैल्यू पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा, फिर वहां चेंज हो जाएगा। तो ये मतलब फर्क पड़ता है बस गोइंग कंसर्न अजम्पशन के फेल हो जाने से। अच्छा, अगला पॉइंट एच, कैश बैलेंस ऑन 31 मार्च 37,100। तो ये तो आपको एक सीधा कैश बैलेंस दे रहा है, वो तो एज इट इज लिख लेते हैं, कैश बैलेंस 37,100। उसके बाद आई, देयर इज एन अर्ली रीपेमेंट पेनल्टी फॉर लोन 2500। अब देखो इसका क्या मतलब है, आपको पता है अगर आप बैंक से लोन लेते हो और उस लोन को जल्दी पे कर दो, मान लो आपने 10 साल के लिए लोन लिया, अब आपके पास अचानक पैसे आ गए जल्दी से साल भर के अंदर, और आपने सोचा चलो ये लोन के मैं सारे पैसे पे कर देता हूँ, तो इस पर बैंक पेनल्टी लगाता है। हाँ, ये देख लो, अब देखो कितनी नई चीज़ सीखने को मिली। इसे बोलते हैं प्री पेमेंट चार्जेस या प्री पेमेंट पेनल्टी या प्री पेमेंट इंटरेस्ट। अब बताओ क्यों लगाता है, लॉजिक सोचो। उनका इंटरेस्ट मर गया, 9 साल की उनकी इनकम गई। आप लोन लेते हो 10 साल के लिए, है ना, ये मेरे साथ प्रैक्टिकली हुए, मैंने घर के लिए लोन लिया 15 साल के लिए, अब उनकी तो 15 साल तक की इंटरेस्ट की इनकम बंद गई बैंक की, मेरे पास पैसे इकट्ठे हो गए 2 साल में, मैं चला गया बैंक, सारे मैंने चुकता कर दिया लोन, ये लो जी। तो उन्होंने मुझसे एक्स्ट्रा पैसे, मतलब पेनल्टी के लिए, कि भाई आपने अपना जल्दी लोन क्लोज कर रहे हो तो हमको 50,000 रुपये पेनल्टी दो, तो मैंने दे दिए, मुझे क्या दिक्कत है, क्योंकि वो 50 भी मेरे लिए अगले 14 साल के इंटरेस्ट से बहुत कम है, लेकिन फिर भी बैंक पेनल्टी लगाता है। तो समझ आया ना पॉइंट? नहीं, बैंक हमसे लेता है कि भाई आपने उसकी इनकम खा गए आप तो अगले 10 साल की, ऐसा सोचो ना। वो तो उसका काम है, लेकिन जो आपसे वो इनकम एक्सपेक्ट कर रहा था वो तो मर गई, किसी और से जो कमाएगा वो एक अलग बात है। चलो चिट्ठी लिखते हैं आरबीआई को कि भैया नियमों में, गाइडलाइन में बदलाव करवाओ, लेकिन ये होता है। तो अब देखो यही पॉइंट है कि देयर इज एन अर्ली रीपेमेंट पेनल्टी ऑफ लोन 2500। अब देखो इसको बड़े ध्यान से समझना, पहले केस में मैं सोच रहा हूँ बिजनेस 25-30 साल चलेगा, तो क्या मैं अभी लोन पे करने वाला हूँ? नहीं। तो इस पॉइंट का पहले केस में कोई मतलब नहीं, इस पॉइंट का पहले केस में कोई मतलब नहीं। लेकिन जब मैं मानूंगा बिजनेस आज बंद हो रहा है, केस टू में जाऊंगा तो मुझे लोन देना पड़ेगा, तो ये 2500 की जो पेनल्टी का खर्चा है मेरा, ये मुझे केस टू में लिखना पड़ेगा। मतलब मैं ऐसे लिख रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि भाई ये लोन पेनल्टी का जो खर्चा है ना, लोन की पेनल्टी केस वन में मुझे नहीं देनी, क्योंकि मेरा बिजनेस तो चल रहा है, मैं अभी क्यों लोन पे करूंगा। लेकिन जब बिजनेस बंद हो रहा होगा केस टू में, मेरे को आज ही बिजनेस बंद करना है, तो भाई लाइबिलिटियां पे करनी पड़ती हैं, आपने सीखा है रियलाइजेशन में, तो आप लोन पे करोगे, तब ये 2500 होगी पेनल्टी, भुगतोगे आप, तब ये खर्चा होगा। तो देखो ये है इस पॉइंट का यूज। तो समझ आ गया आपको पॉइंट? तो मतलब ये ऐसे लिख के छोड़ देते हैं। उसके बाद देखो अगला पॉइंट है आई, बस खत्म, आई यहां तक हो गया, ठीक है। तो नीचे के पॉइंट सारे हो गए, अब हम ऊपर चलते हैं, जो जो चीज़ें उसने दी हैं वो लिखते रहते हैं। कैपिटल 60,000, तो वो तो एज इट इज चेप लो। कैपिटल 60, और क्या दिया है, पीएनएल, वो तो चेंज हो जाएगा, अब वो तो हम ऊपर पीएनएल बना ही रहे, वो लिखेंगे 10% लोन 35, वो लिख लो एज इट इज। अब देखो क्योंकि इसका पॉइंट मैंने पूरा कवर कर लिया, तो मैं केस टू की फिगर भी लिख रहा हूँ। अब केस वन में तो लोन 35 है, चल रहा है लोन, चले जा रहा है, सालों साल चलता रहेगा, लेकिन जब मैं केस टू में लिखूंगा लाइबिलिटी, तो 35,000 लोन तो है ही है, 2500 पेनल्टी के भी मेरे को और देने पड़ेंगे, वो भी मेरी लाइबिलिटी और क्रिएट हो गई। तो केस टू में मैं लाइबिलिटी जब लिखूंगा ना ये लोन की, तो 2500 बढ़ाकर लिखूंगा, क्योंकि उस पे मेरे ऊपर पेनल्टी भी लगी हुई है उस बार केस टू में,
समझ गए ना पॉइंट? तो ऐसे अजम्पशन चेंज होने की वजह से फिगर बदल जाएंगी। उसके बाद एसेट्स में क्या दे रखा है, ट्रेड पेबल हमने लिख ही लिया था, एसेट्स में पीपीई हम लिख चुके, स्टॉक क्लोजिंग लिख चुके, ट्रेड रिसीवेबल लिख चुके, फर्नीचर लिख चुके और बैंक मतलब कैश वो भी लिख चुके। तो अब आप पहले पीएनएल क्लोज करके ये निकालो क्या टोटल आ रहा है और क्या प्रॉफिट आ रहा है, 450 और 32, 482 में से ये सब माइनस कर दो, तो कितना आएगा, 4,00,000 की परचेज, 14,900 के एक्सपेंस, 13,00,000 का डेप, और वो अच्छा एक चीज़ तो लिखने ही भूल गए, स्टॉक ये 31 मार्च 2001 का है ना, तो ये एक तरह से हमारे लिए ओपनिंग स्टॉक हो गया ना 30,000, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया नहीं ना, तो वो इसी में लिखना है, तो ओपनिंग स्टॉक और लिख लेना 30,000। तो सीधा आंसर नेट प्रॉफिट अब निकल जाएगा आपका, बैलेंस माइनस करके कितना आएगा, 19,600। तो अब हम अपने पीएनएल के अंदर 19,600 लिख लेंगे, मतलब हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो 19,600 हो गया इस साल में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया पॉइंट? तो अब पीएनएल लिख सकते हैं, 25,000 हमें दे रखा था पिछले साल ओपनिंग में, प्लस 19,600 हमने और कमा लिया, तो कितना हो गया 25 और 19,600, 44,600। ठीक है, तो अब आप दोनों साइड का टोटल करके देख लो, केस वन में लाइबिलिटियों का, केस वन में एसेट का कि क्या आ रहा है, 151,600। ठीक है, 151,600, तो क्लियर हो गया। चलो अब हम केस टू कर लेते हैं। तो केस टू में पहले हम उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो हमें पता है कि अलग है, बाकी तो चीज़ें सेम होंगी, वो एज इट इज चेप लेंगे। तो पहला पॉइंट अब दोबारा पढ़ते हैं, देखो पहला पॉइंट दोबारा पढ़ते हैं ए। अब हम ये सोचेंगे आज बिजनेस शाम को बंद हो रहा है, तो पहले पॉइंट में लिखा है कि भैया पीपीई की रिमेनिंग लाइफ तो 5 साल अब सोच ही नहीं सकते, अब तो आज बिजनेस बंद हो गया। तो अगली सेंटेंस में दे रखा है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ पीपीई ऑन 31 मार्च वॉज 60,000। तो अब जब हम ये सोच रहे हैं कि आज बिजनेस बंद हो रहा है, तो अब हमें अपने पीपीई को किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा, 60,000 पर, रियलाइजेबल वैल्यू पर। तो केस टू में पीपीई की वैल्यू हम 60,000 लिखेंगे, 60। समझ गए फर्क? क्योंकि बिजनेस के बंद होने पर हम सारे एसेट लाइबिलिटियों को रियलाइजेबल वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं। अब बैलेंस शीट में कितने का था पीपीई, 65, लेकिन हम इसको आज क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, 60, है ना। हमने इसकी वैल्यूएशन अब कितनी लिखी बैलेंस शीट में, 60, तो कितनी गिरावट हुई है, 5,000। तो अब देखो, तो केस टू में जब हम पीएनएल में खर्चा लिखेंगे डेप्रिसिएशन, तो लिखेंगे सिर्फ 5,017। तो आपको समझ आ रहा है फर्क? तो केस टू में हमारी गिरावट जो है पीपीई की खाली 5,000 है, तो क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट, ये तो सेम है, सेल परचेज से तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो हुई हुई। अब आ जाओ इस पे, थर्ड, क्लोजिंग स्टॉक की भी दे रखी है रियलाइजेबल वैल्यू कितनी, 40। तो अब तो हमें पता है बिजनेस आज बंद कर रहे हैं, तो अब तो कोई रूल चलेगा नहीं, अब तो हमको क्लोजिंग स्टॉक को भी किस पर वैल्यू करना है,
रियलाइजेबल वैल्यू। तो देखो क्लोजिंग स्टॉक भी अब हम बैलेंस शीट में भी लिखेंगे 40, है ना, रियलाइजेबल वैल्यू, और पीएनएल में जहां लिखा था क्लोजिंग स्टॉक वहां पर भी लिखेंगे 40, क्योंकि जैसे ही बिजनेस बंद होने की बात होगी, केस टू की बात होगी, तो हमें एसेट लाइबिलिटियों को रियलाइजेबल वैल्यू पर रिकॉर्ड करना। उसके बाद फोर्थ, ये तो सेम है खर्चा, इस पर कोई फर्क नहीं। फाइव, अब देखो भाई डेफर्ड कॉस्ट, अब फर्नीचर मत सोचना, थोड़ा सा डेफर्ड कॉस्ट ही ले लेते हैं। पहले तो था अमोर्टाइज्ड ओवर 4 ईयर्स, लेकिन अब तो भाई डेफर्ड कॉस्ट 4 ईयर का कोई चक्कर ही नहीं, अब तो हमारा आज बिजनेस बंद हो रहा है, अब डेफर्ड कॉस्ट समझाने का सही समय आ चुका है। उसने नीचे अंग्रेजी दे रखी थी डेफर्ड कॉस्ट वर अमोर्टाइज्ड, तो अमोर्टाइज्ड वर्ड किस एसेट के लिए यूज होता है? इनटेंजिबल, वेरी गुड। तो डेफर्ड कॉस्ट का कहने का मतलब है कि ये कोई फिक्टिशियस एसेट होगा, मतलब जिसको आप देख नहीं सकते, और जो फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं उन्हीं को हम बोलते थे बचपन में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो उसी को डिजाइनर नाम दे रखा है सीए एंटर में डेफर्ड कॉस्ट। तो ये बेसिकली एक फिक्टिशियस एसेट है जिन्हें बचपन में हम कूड़ा कहते थे, ठीक है। अब आज बिजनेस बंद हो रहा है, तो अब बताओ इसका क्या करेंगे हम? हटा देंगे, है ना। तो अब देखना बड़े ध्यान से, तो ये जो फिक्टिशियस एसेट है डेफर्ड कॉस्ट, ये अब हमारी बैलेंस शीट पर इसकी रियलाइजेबल वैल्यू क्या होगी? निल। भाई कूड़ा कौन खरीदेगा हमारा? कोई नहीं, निल। तो ये पूरा डेफर्ड कॉस्ट निल हो गया, इसकी रियलाइजेबल वैल्यू क्या है? निल। तो पूरी की पूरी गिरावट जो हुई इसमें वो हम कहाँ बुक कर देंगे? अपने खर्चे। तो केस टू में देखो अमोर्टाइजेशन के आगे लिख लेंगे हम 10,000, मतलब हमारा पूरा फिक्टिशियस एसेट जो है वो चला गया, बेकार हो गया, खर्च हो गया, उसको हमने राइट ऑफ कर दिया, पीएनएल में चला गया। समझ आ गया डिफरेंस? उसके बाद अगला पॉइंट छठा, देखो ये तो आपको समझाई दिया था, ट्रेड रिसीवेबल वाला है, 25,000 के ट्रेड रिसीवेबल थे, लेकिन उसने 2,000 कहा डाउटफुल थे, और 4,000 अब क्या हो जाएंगे केस टू में? ये भी बैड डेट्स हो जाएंगे, क्योंकि अब हम सक्सेसफुली रीइंस्टॉल तो कर नहीं सकते, हमारा तो बिजनेस बंद हो गया। तो इस बार मेरा पीडीडी 2 और 4 कितने का हो जाएगा? 6,000। तो केस टू में आप पीडीडी लिखना 6,000, तो ऑटोमेटिकली हमारे ट्रेड रिसीवेबल भी कितने लिखे जाएंगे? ओनली 19,000, ठीक है, सही चल रहा है मामला। और उसके बाद क्लोजिंग ट्रेड पेबल 12,000, ये पॉइंट भी समझाया था। अब लाइकली टू बी सेटल्ड एट 5% डिस्काउंट, तो अब आप इनकी रियलाइजेबल वैल्यू निकाल लो सही, कि भाई 5% इन्हें छूट देंगे, 600 रुपये माइनस कर दोगे तो ट्रेड पेबल कितने आएंगे? 11,400। तो 11,400 सितारा, और 600 रुपये का आपको फायदा हो गया, 600 रुपये का आपको फायदा हो गया डिस्काउंट रिसीव्ड, तो वो लिख लेते हैं इनकम में बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। अब ये देखो ये खाली केस टू में ही आ रहा है 600, ठीक है, तो समझ आ गया फर्क। उसके बाद 7 कैश बैलेंस, ये तो चलो सेम रहेगा। अर्ली रीपेमेंट, ये हम पहले ही लिख चुके थे समझाते समझाते, है ना, केस टू ये साथ में ही सॉल्व कर लिया था, तो ये भी हो गया, मतलब सारे पॉइंट्स नीचे कवर हो गए। तो अब आप बाकी चीज़ें बस एज इट इज चिपका दो, मतलब वो सेम रहेंगी, और फिर आंसर निकालते हैं। तो सेल एज इट इज सेम लिख लो, ओपनिंग स्टॉक एज इट इज सेम लिख लो, परचेज एज इट इज सेम लिख लो, खर्चे एज इट इज सेम लिख लो, अब निकालो प्रॉफिट और टोटल का नया आंसर। टोटल 490,600, और नेट प्रॉफिट 22,200,
ठीक है, उसके बाद अब बैलेंस शीट में कैपिटल एज इट इज सेम लिख लो, बस पीएनएल थोड़ा सा चेंज कर देना। पीएनएल में 25,000 में प्लस 22,200 जोड़ना, 47,200, ठीक। बस बाकी सब लिखा हुआ है, अब दोनों साइड का टोटल कर लें। अच्छा, कैश एज इट इज सेम लिख लो, 37,100। तो अब दोनों साइड का टोटल जोड़ना क्या आ रहा है, 1,56,100, 1,56,100, ठीक है ना। तो दोनों साइड हमारी मैच हो गई, तो क्लियर हो गया पूरा क्वेश्चन अच्छे से। तो बिल्कुल इसका ट्रू कॉपी अभी दिखाऊंगा आपको, जो होमवर्क में होगा वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3 है बेसिकली, बिल्कुल ट्रू कॉपी है। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया जिस पर क्वेश्चन ये इस तरह का आता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, ये क्वेश्चन नहीं है लेकिन फिर भी बाय चांस पता हो थोड़ा सा। ए लिमिटेड हैज़ एंटर्ड इनटू अ बिल्डिंग एग्रीमेंट, इनटू अ बाइंडिंग एग्रीमेंट विद पी लिमिटेड टू बाय अ कस्टम मेड मशीन फॉर 40,000। देखो, ए लिमिटेड ने पी लिमिटेड के साथ एक एग्रीमेंट करा कि भाई हमारे लिए ना आप एक कस्टमाइज्ड मशीन बनाना अलग सी बिल्कुल। तो उसने कहा ठीक है, मैं बना दूंगा कस्टमाइज मशीन जैसी तुम चाहते हो, 40,000 रुपये लूँगा। अब एट द एंड ऑफ 2001-02, बिफोर द डिलीवरी ऑफ मशीन, अब हम डिलीवरी से पहले, ए लिमिटेड हैड टू चेंज इट्स मेथड ऑफ प्रोडक्शन। अब अचानक हमें को लगा यार ये तो प्रोडक्शन का तरीका बदलना पड़ेगा। द न्यू मेथड विल नॉट रिक्वायर द मशीन, अब हमें इस मशीन की ज़रूरत नहीं है, और इट विल बी स्क्रैप्ड आफ्टर डिलीवरी। भाई पी थोड़ी ना कहेगा भाई तुमने पहले ऑर्डर दे दिया कि कस्टमाइज्ड मशीन बनाओ, भाई मतलब आपने टेलर को बोल दिया मेरे लिए शर्ट सिल दो, उसने सिल के तैयार रखी, एक दिन पहले आप कह रहे हो अब मेरे को शर्ट नहीं लाई लेनी, तो वो तो नहीं मानेगा। तो पी तो आपको ये मशीन दे गई भाई, वो तो आपको देगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे उसे, लेकिन अब आपको पता है भाई इस मशीन का मैं करूँगा क्या, मेरा तो प्रोडक्शन मेथड बदल चुका है। तो आपको तो ये मशीन लेकर दूसरे हाथ कबाड़ी वाले को देनी है, स्क्रैप करनी है। स्क्रैप का मतलब है कि रियलाइजेबल वैल्यू निल, और लिखा भी है द एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू इज निल। तो पहले आपको स्टोरी समझ आ गई। अब ये यहां पर ना कुछ डेफिनेशन समझा रहे थे एसेट लाइबिलिटी की, तो वो एग्जांपल मतलब आगे वो डेफिनेशन है ये आप छोड़ दो, वो तो मतलब क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो बस यहीं तक है। तो वो इसका ट्रीटमेंट बता रहा है कि अब क्या होगा, तो पहले मैं सिखाता हूँ फिर बाद में उनका दिखाऊंगा। तो देखो, अब हम जब कोई एसेट खरीदते हैं तो हम क्या एंट्री करते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट टू, अगर पैसे दे दिए तो लिख देंगे टू बैंक, और अगर पैसे नहीं दिए मतलब अभी मान लो ऐसा है कि देने हैं तो लिख देंगे टू पी लिमिटेड, यही होगी एंट्री। तो इसका एस्पेक्ट क्या बना कि मेरे पास एसेट आया और मुझे पी को पैसे देने। अब ये एसेट मेरे पास आ तो गया, लेकिन इसको आते ही अब मुझे कबाड़े में फेंक के आना है, तो मेरी एंट्री क्या होगी, एसेट क्रेडिट कर दूंगा 40 से। और अगर मान लो मैं बाजार में बेचता तो मैं लिख देता कैश डेबिट कि भाई 40 मिल गई। अब मिला कितना है इसमें, निल, मतलब अगर मेरे को एंट्री लिखनी हो कि भाई कैश डेबिट कितना मिला है, निल, तो मेरा ये पूरा का पूरा 40 क्या हो गया, लॉस हो गया एक तरह से। ऐसे एंट्री बना लो कि कैश में बेचा जीरो वैल्यू पर, तो मेरा पूरा का पूरा ये क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इसका मतलब मेरी दूसरी एंट्री क्या बनेगी, ये बन जाएगी। क्लियर हो गया पॉइंट, सिंपल। तो बस उन्होंने सॉल्यूशन में आपको ये दो एंट्री करके दिखा रखी है कि दीज आर टू एंट्रीज, बेसिकली यू आर रिकॉर्डिंग वन लाइबिलिटी इन द नेम ऑफ पी लिमिटेड एट 40 रुपी, एंड यू आर रिकॉर्डिंग योर एक्सपेंस ऑफ 40 बिकॉज ऑफ दिस स्क्रैप ऑफ द एसेट। तो उन्होंने आपको ये दो एंट्रियाँ नीचे आंसर में दिखा रखी हैं, एग्जाम्पल है छोटा सा बस, बट समझ आया आपको पॉइंट। तो मैं उनकी एंट्री दिखा देता हूँ। अब अगर ये एंट्री कर दूँ मैं तो 11th का बच्चा कहे सर ये तो मैं भी कर दूँ। तो अब हम देखो, एक चादर चढ़ा देंगे और मनीष मल्होत्रा इस एसेट अकाउंट को नाम बदल के एक ऐसा डिज़ाइनर नाम दे देगा
कि बच्चे 11th के डर जाएंगे, कहेंगे भैया भैया आप तो बहुत हार्ड स्टडी कर रहे हो। तो अब आप इनकी एंट्री देखो, पहली एंट्री है मन में एसेट पढ़ लेना, अभी एसेट अकाउंट डेबिट टू पी लिमिटेड, पहली एंट्री ओके, और दूसरी एंट्री पीएनएल डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक है। तो ये है बेसिकली, तो एक मतलब ऐसी मिसलीनियस एग्जांपल था, हालांकि इसका कोई वैसे यूज नहीं, बाय चांस एग्जाम में आ जाए तब भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये था छोटा सा एग्जाम्पल, बाकी अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, इलस्ट्रेशन टू, ठीक है ना। ये भी वैसे डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चन ही है, लेकिन एक बार आप देख लो, कैरिंग अमाउंट ऑफ ए मशीन इज 40,000, ब्रैकेट में लिखा है हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। कैरिंग अमाउंट वर्ड का मतलब आपको पता है वैसे क्या होता है, ये याद रखना हमेशा, बुक वैल्यू। हाँ, और इसको कैरिंग अमाउंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिस अमाउंट पर आप इसे बैलेंस शीट में कैरी कर रहे हो, इसीलिए इसको बोला जाता है कैरिंग अमाउंट। टेक्निकली मतलब जो बैलेंस शीट होगी, उस बैलेंस शीट में मैं अपनी मशीन को 40,000 रुपए पर शो कर रहा हूं, तो इस नाम को बोल देते हैं कैरिंग अमाउंट। बाकी कह रहा है द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट 10,000 रुपए नेट कैश इनफ्लो। इस मशीन से हमें लग रहा है कि हमें 10,000 रुपए का इनफ्लो होगा, ठीक है, ये एक अलग बात हो गई। उसके बाद नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द मशीन इज 35,000, इस मशीन की नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो 35,000 है, ठीक है। द एंटरप्राइज रिक्वायर्ड अर्निंग रेट इज 10% पर ईयर, ये कुछ उनका एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। आपने पढ़ लिया फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा यार। द एंटरप्राइज कैन ईदर यूज द मशीन टू अर्न 10,000 फॉर 5 years। तो देखो इसमें वो प्रेजेंट वैल्यू वाली कहानी बन गई कि हमें हर साल इस मशीन से कितने रुपए कमाने को मिलेंगे, 10,000। लेकिन आप इसको 50,000 नहीं मानोगे, भाई आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, वो तो 10, 10, 10, 10, 10 पाँच सालों में मिल रहा है। तो आज वो 10, 10, 10, 10, 10 की क्या प्रेजेंट वैल्यू है, वो उन्होंने मैथमेटिकल फॉर्मूले लगा के निकाल रखी है, तो उसको आपको चक्कर में नहीं पड़ना, वो गिवन है 37,900, है ना। तो ये इलस्ट्रेशन मतलब कोई एग्जाम लीड नहीं है, ये तो समझाने के लिए है। तो इस 37,500 को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू, इसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू। और 35,000 को हम क्या बोलते हैं, रियलाइजेबल वैल्यू, है ना। ये दो टर्म समझाई गई हैं पहले तो। अब अगर आपसे कहा जाए कि इस मशीन को आपको अब रिकॉर्ड करना है, तो आप 37,500 रुपये 37,900 पर रिकॉर्ड करना चाहोगे या 35 पर रिकॉर्ड करोगे, आप अपने सीए की बुद्धि पहले लगाओ, फिर मैं आंसर बताऊंगा। कि अगर आपको इस मशीन को रिकॉर्ड करना है अब रिवाइज्ड वैल्यू, तो आपके हिसाब से क्या शो करोगे आप मशीन की वैल्यू को, रियलाइजेबल वैल्यू शो करो 35 या प्रेजेंट वैल्यू शो करो 37,900। 35 क्यों, हाँ वो एक अलग चीज है, रेट बदल गया तो चेंज हो सकता है, ठीक है। तो यही बात है बस, तो इसमें यही दे रखा है समझाने के लिए किताब वालों ने भी कि भाई प्रेजेंट वैल्यू जो है दैट इज 37,900, है ना, जिसको हम रिकवरेबल वैल्यू भी कहते हैं। लेकिन अब आगे का सेंटेंस बस पढ़ लो, आपके लिए यही एक सेंटेंस है पढ़ने के लिए कि भाई इट इज ऑब्वियसली नॉट अप्रोप्रिएट टू कैरी एनी एसेट एट ए वैल्यू हायर देन इट्स रिकवरेबल वैल्यू। कि भाई मेरी मशीन का आज बाजार में कीमत 35,000 है और मैं उसको रिकॉर्ड कर लूँ 37,900 में, तो हम इसका मतलब बुद्धिमान सीए तो नहीं है, ये तो गलत बात है। तो यही बात वो कह रहा है कि भाई ऐसा ऑब्वियसली नहीं है अप्रोप्रिएट, और इसीलिए कह रहा है कि 10 एसेट इज करंटली ओवर स्टेटेड बाय 2100 रुपये, इसका मतलब एसेट जो है आपका 2100 रुपये ज़्यादा है। तो ये इलस्ट्रेशन मतलब बस उन्होंने एक समझाने के लिए दे रखे, बाकी डिस्कस कर लिया। अब एक अगला जो है वो करते हैं, आखिरी हमारा डिस्कशन पॉइंट जो था कैपिटल मेंटेनेंस को लेकर, फिर इसका सवाल मैं आपको करवाऊंगा।
तो इसमें इलस्ट्रेशन जो थ्री है, इलस्ट्रेशन जो फोर है और इलस्ट्रेशन जो फाइव है, ये तीनों मतलब सेम कहानी है, बस तीनों में क्या बदले हैं, मेथड्स बदले हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। हाँ, इलस्ट्रेशन थ्री जो है उसमें हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड के हिसाब से चल रहे हैं, इलस्ट्रेशन फोर में करंट परचेजिंग पावर और इलस्ट्रेशन फाइव में फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। चलो तो पहले मैं आपको इलस्ट्रेशन थ्री समझाता हूँ, बस आप ध्यान से सुनना। ए ट्रेडर कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2001 विद 12,000 रुपये। आपने शुरू शुरू में 12,000 रुपये के साथ बिजनेस शुरू करा, रिप्रेजेंटेड बाय 6,000 यूनिट्स ऑफ ए सर्टेन प्रोडक्ट एट 2 रुपये पर यूनिट। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना। आपने एक बिजनेस शुरू करा और आपने 6,000 डब्बे खरीदे 2 रुपये ईच के, तो आपके 12,000 रुपये इन्वेस्ट हो गए बिजनेस में। ड्यूरिंग द ईयर ही सोल्ड दीज यूनिट्स एट 3 रुपी पर यूनिट। अब आपने इन्हीं डब्बों को बेच दिया, कितने रुपए में, 3 रुपए पर यूनिट में, तो इसका मतलब कितने रुपए में बेच दिया आपने, 18,000 में, एंड विड्रॉन 6,000 रुपये, और आप 6,000 रुपये विड्रॉ कर लिए। तो देखो भाई, इसका मॉडल क्या है इस आदमी का, 12,000 रुपये इसने निवेश करे, ये हो गई इसकी ओपनिंग कैपिटल, 12 का सामान इसने 18 में बेच दिया तो कितना प्रॉफिट हो गया, 6,000, तो इसकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो गई, 18 हो गई। अब इसने सोचा यार 6 का मुनाफा हुआ है, चलो इसे विड्रॉ कर लेते हैं, घर ले जाते हैं, पत्नी मंगवा रही है पैसे, तो इसने 6,000 रुपये विड्रॉ कर लिए, घर ले गया। तो जैसे ही अब नेक्स्ट ईयर शुरू होगा तो ऑटोमेटिकली अब नेक्स्ट ईयर की शुरुआत में वापस से इसके पास ओपनिंग कैपिटल कितनी या इसकी कैपिटल कितनी रहेगी, 12 रहेगी। पहले आपको ये पॉइंट समझ आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है? तो ये व्यक्ति हर साल कह रहा है बस मैं यही करता रहूँगा, अब अगले साल फिर 3 रुपये में बेच दूंगा डब्बे, 6 का मुनाफा होगा और फिर 6,000 रुपये मैं विड्रॉ कर लूँगा, घर ले जाऊँगा। तो ये जितना प्रॉफिट होता है 6,000, हर साल वो घर ले जाता है, 6 का प्रॉफिट हुआ 6 घर ले गया, 6 का प्रॉफिट हुआ 6 घर ले गया, तो ओपनिंग कैपिटल इसकी इंटैक्ट मेंटेन चल रही है 12,000। तो 12 से बिजनेस शुरू करा, प्रॉफिट कमा के घर ले गया, 12-12 हर साल ऐसे चल रहा है। आपको इसका मॉडल समझ आया पहले? तो ये बात इन्होंने यहाँ पर समझा रखी है, मैं दिखा देता हूँ कि भाई ट्रेडर ने 6,000 यूनिट से शुरू करा 2 रुपये, फिर उनको 3 रुपये पर बेच दिया, तो होल प्रोसेस वो रिपीट करता रहेगा एंडलेसली इफ देयर इज नो चेंज इन परचेज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब बड़े ध्यान से सुनना, ऑब्जर्व करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। आज ये 6,000 डब्बे कितने रुपए के इसने खरीदे थे, क्या भाव चल रहा है बाजार में, 2 रुपए। क्या एक साल बाद जब ये बाजार में जाएगा तो भी ये 6 डब्बों का भाव 2 रुपए ही होगा? अब ये एक प्रश्न चिन्ह है, ये सोचना है। पॉइंट समझ आ रहा है कि इसने जब बिजनेस शुरू करा था तब 6,000 डब्बे 2 के भाव से खरीद लिए थे, लेकिन एक साल बाद आज भी उसकी कैपिटल 12 है और आज भी वो 6 डब्बे खरीदना चाहता है, मतलब 6,000 डब्बे खरीदना चाहता है, लेकिन क्या आज एक साल बाद महंगाई नहीं बढ़ी होगी, ये सोचना है आपको, बढ़ी होगी। तो अगर मान लो मैं रेट चेंज कर दूं, मैं ये बोल दूं कि अब ये 6,000 डब्बे 2 रुपए 40 पैसे के हो गए, लेट से एज्यूम कर रहे हैं, पूरी कैलकुलेशन करनी है, अब हमको सीए का दिमाग लगाना है। तो अगर 6,000 डब्बे वो खरीदना चाहता है और अब डब्बों का भाव हो गया है 2 रुपए 40 पैसे, तो एक बार करो कैलकुलेशन कि उसको कितने रुपए मतलब चाहिए होंगे टोटल, 6,000 डब्बे 2 रुपए 40 पैसे के, 14,400, 14,400 है ना, तो इसका मतलब उसको तो 14,400 रुपये की आवश्यकता होगी। अब इस बार उसको कितने रुपए चाहिए बिजनेस में स्टार्टिंग में, 14,400। तो अगर ये बात आप उसको पहले बता दो कि भाई देख अगले साल ना डब्बे बढ़ जाएंगे,
तो तुझे ना 12,000 रुपये कम पड़ेंगे। तुझे कितने रुपए चाहिए होंगे? 14,400। तो क्या आप उससे पूरा प्रॉफिट विड्रॉ करवाओगे जो उसने पिछली बार पूरा 6 विड्रॉ कर लिया था? तो आप अब उसको क्या सलाह दोगे कि भाई तू 6 मत विड्रॉ कर, कितना विड्रॉ कर सिर्फ? 3600। वेरी गुड। ताकि जब तू 3600 विड्रॉ करेगा तभी तो फिर तेरे पास कैपिटल 14,400 बचेगी, तब तू फिर अगले साल डब्बे 6,000 खरीद पाएगा, नहीं तो फंस जाएगा तू। पॉइंट समझ आया? तो बस ये कहानी होती है आपके इलस्ट्रेशन 4 की, और 5 की भी सेम ही होती है। ये देखो इलस्ट्रेशन 4 में कहानी देखो कि भाई अगर डब्बे 2.40 रुपए के हो जाते, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ गया, प्राइस इंडेक्स 100 से बढ़कर 120 हो गया, महंगाई बढ़ गई, डब्बे 2 रुपए की बजाय 2.40 रुपए के हो गए, महंगाई बढ़ गई, तो उसको कितने रुपयों की आवश्यकता पड़ती फिर? तो ओपनिंग में 14,400। तो उस लिहाज से अगर हम उसको कहते कि भाई तू कितने रुपए विड्रॉ कर तभी तेरे पास पैसों की कमी नहीं रहेगी, नहीं तो तेरे पास 2400 रुपए कम पड़ेंगे अगर तू सारे विड्रॉ कर लेगा, है ना? तो इलस्ट्रेशन 4 ये बन गया। एंड सेम इलस्ट्रेशन 5, उसमें बस 2.40 रुपए की जगह 2.50 रुपए हो गया रेट। तो अब आप फिर से वही चीज़ सोच सकते हो कि अगर 2.50 रुपए रेट हो जाता तो कितने रुपए की उसको आवश्यकता पड़ती? 15,000। फिर तो आप उससे कितना ही विड्रॉ करवाते खाली? 3,000, नहीं तो फिर उसको 3,000 रुपए की कमी हो जाती। तो इलस्ट्रेशन 3, 4, 5 जो है वो सिर्फ समझाने के लिए, इसका हम क्वेश्चन अभी जो है पीछे वो एक बार कर लेंगे हाथ से सॉल्व। तो बस वो यही कहता है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कॉम्प्यूट कैपिटल मेंटेनेंस अंडर ऑल 3 बेसिस। तो मैं दिखा देता हूं, देखो जैसे पहला है क्लोजिंग कैपिटल एट हिस्टोरिकल कॉस्ट 12,000, माइनस करनी है दो चीजें, ओपनिंग कैपिटल और इंट्रोड्यूस्ड। इंट्रोड्यूस्ड हालांकि इसने कुछ भी नहीं कर रखा है ना, तो वो निल है। तो ओपनिंग कैपिटल इसकी कितनी है? 12,000। तो पहले केस में तो इसका रिटेन्ड प्रॉफिट कितना बच रहा है? निल। दूसरे केस में कितने रुपए की कमी आ रही थी? 2400 की। और तीसरे केस में कितने रुपए की कमी आ रही थी? 3,000। तो ये आंसर निकल गया, है ना? तो इसका हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं पीछे प्रैक्टिकल फटाफट से, तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो इसका एक क्वेश्चन है ये वाला पीछे का प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1, ठीक है? ये देखते हैं हम, देखो इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है जी, मोहन स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल विद 12,00,000 रुपए, रिप्रेजेंटेड बाय 60,000 यूनिट्स ऑफ 20 ईच। तो इस बार वो 60,000 डब्बे खरीद रहा है और क्या रेट है? 20 रुपए। 12,00,000 रुपए उसने शुरुआत करी। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च ही सोल्ड द एंटायर स्टॉक, और उसने वो सारा बेच दिया 60,000 डब्बे कितने रुपए में? 30 रुपए ईच। अब इन ऑर्डर टू मेंटेन द कैपिटल इंटैक्ट कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी विड्रॉन बाय मोहन। तो मतलब हमको ये बताना है कि मोहन कितने रुपए मैक्सिमम विड्रॉ कर सकता है अगर हम चाहते हैं कि उसकी कैपिटल पर इंटैक्ट मतलब प्रभाव ना पड़े, पैसे कम ना पड़े अगले साल। और कौन सा केस है ये? इफ फाइनेंशियल कैपिटल इज मेंटेन्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो अब देखो खुद लॉजिक लगाओ, जैसे उसने 12,00,000 रुपए से शुरू करा, 60,000 डब्बे खरीदे, है ना, क्या रेट से खरीदे? 20। फिर इन 60,000 डब्बों को उसने 30 रुपए का बेच दिया, तो कितने का बेचा? 18,00,000 का। तो कितना मुनाफा हो गया उसको? 6,00,000 का। तो अब उसकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो गई होगी? 18,00,000। अब अगले साल क्योंकि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड ही फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब अगले साल हम यही मानेंगे कि भाई उसको फिर से ऑब्वियसली इन डब्बों का भाव 20 ही रहेगा, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड का मतलब है कि डब्बे जो हैं वो 20 के अगर खरीदे थे तो अभी भी 20 के ही होंगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड का ये मतलब है केस 1, कि भाई अभी भी वो 20 के ही होंगे। तो आप इसको मोहन को कितने रुपए विड्रॉ करने की इजाज़त देते हो? 6,00,000।
अब तो कर सकता है मजे से, उसको जो 6 लाख का प्रॉफिट हुआ है वो पूरा विड्रॉ भी कर लेगा, तब भी उसके पास 12 लाख बच जाएंगे और फिर अगले साल फिर सेम रिपीट शुरू। तो समझ आया आपको पॉइंट? तो ये बेसिकली जो इलस्ट्रेशन 3 आपने देखा था ना, केस 1, ये उसकी तरह है। तो अभी इसका सॉल्यूशन दिखा दूंगा आपको थोड़ी देर में। तो इसमें हम लिख देंगे आंसर कि भाई वो कितना विड्रॉ कर सकता है, मैक्सिमम 6 लाख। चलो उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 2, बस लास्ट क्वेश्चन फिर खत्म, ये और डिस्कस करना है। एक इसमें सिर्फ आपको मुझे ओरली बताना है, फिर फाइनल आंसर निकालेंगे। तो आपको आंखें बंद करके ये सोचना है कि हम क्लास 11th में पहुंच चुके हैं और हमें सामने खड़ा टीचर चैप्टर 5 पढ़ा रहा है, TS ग्रेवाल की बुक से, अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर का नाम है, ठीक है? तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी एक बार बताना, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी या लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है? तब क्वेश्चन पढ़ो, वो कह रहा है ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर ए, मिस्टर ए की जो ओपनिंग बैलेंस शीट है इज शोइंग द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एसेट लाइबिलिटी एंड इक्विटी 8 लाख, लाइबिलिटी 3 लाख एंड कैपिटल 5 लाख। तो मैच हो गया इक्वेशन, 8 3 ऐसे लिख देता हूँ, 8 इज इक्वल टू 5 प्लस 3। अब वो कह रहे हैं ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड मिस्टर ए हैज़ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो बस आपको मुझे ट्रांजेक्शन के डुअल एस्पेक्ट बताने, जैसे बचपन में करते थे कि ये बढ़ेगा ये घटेगा, प्लस माइनस करते रहेंगे। तो पहले में लिखा है कि भाई अर्नड 10% डिविडेंड ऑन 2000 इक्विटी शेयर्स हेल्ड ऑफ 100 रुपये ईच, मतलब 2 लाख रुपये के शेयर्स पर आपको 10% डिविडेंड मिल गया। तो मतलब 10% मतलब 20,000 रुपये। तो आप बस ये बताओ कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, आपको डिविडेंड मिला तो क्या होगा, कैश बढ़ गया एक तो ऐसा लिख देता हूँ, एसेट बढ़ जाएगा और कैपिटल बढ़ जाएगा, आपकी पूंजी बढ़ गई है ना, शेयर होल्डर्स फंड बढ़ गया। सेकंड, पेड 50,000 टू क्रेडिटर फॉर सेटलमेंट ऑफ 70,000, 70,000 के क्रेडिटर को आपने 50 में निपटा दिया, तो अब बताओ कैश कम होगा कितना, 50,000, लाइबिलिटी कितनी कम होगी, 70,000, और 20 आपका मुनाफा हुआ तो वो कैपिटल में जुड़ जाएगा, ठीक है, क्लियर? थर्ड, रेंट ऑफ द प्रीमाइसेस इज आउटस्टैंडिंग 10,000, खर्चा, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी 10,000, और अब खर्चा है तो क्या होगा, एक्सपेंस माइनस हो जाएगा, किस में से, कैपिटल में से, ठीक है? और फोर, मिस्टर ए विड्रू 9,000 फॉर पर्सनल यूज, एसेट में से कम हो गया पैसा और कैपिटल में से भी कम हो गया पैसा, तो समझ आया ना? तो एक बार देखो इसका आंसर मैं दिखाता हूँ 1 और 2 का। 3 आपका होमवर्क है, वो आप मार्क कर लो, बस एक ही क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। इसकी शक्ल देख लो, आपको एग्जैक्टली सेम है इलस्ट्रेशन 1 की, देखो डेफर्ड एक्सपेंडिचर, और ये देखो सारे पॉइंट्स भी सेम है एज इट इज़, वही पहला PPE, फिर सेल परचेज, फिर क्लोजिंग स्टॉक, खर्चे, डेफर्ड एक्सपेंडिचर अमोर्टाइज्ड, डेटर की कहानी, क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्लोजिंग ट्रेड पेबल, और प्री पेमेंट पेनल्टी बैंक लोन की। तो एक बार बस वो आंसर देख लो। तो देखो आंसर 1, तो कितने रुपए मैक्सिमम ड्राइंग कर सकता है वो, 6 लाख। और आंसर 2, वो हमने देखो जो करा था सॉल्व, एसेट लाइबिलिटी और इक्विटी दे रखा है, तो जो जो चेंज आए वो यहाँ पर देखो मेंशन होते रहे, और फिर फाइनल इक्वेशन जो बनेगी वो ये बनेगी, वो भी टैली होगी, ठीक है? तो समझ आ गया ना? चलो तो बस इस मतलब में यही था पूरे चैप्टर में। तो बस आप एक क्वेश्चन करना 3, और उसमें भी आपको मज़ेदार बात यह है कि खाली PNL बनाना है, बैलेंस शीट भी नहीं बनानी, ठीक है? चलो डन, छुट्टी।